धूम्रपान और मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग होता है। एक डाल के फूल दूसरी डाल पर अपने पराग छोड़ते हैं। पता नहीं इन्हें किस बंधन ने जोड़ रखा है। ये कुदरत का करिश्मा है। 1978 की एक अद्भुत प्रेम कहानी 2018 में फिर से दोहराई गई। वक्त बदलता रहता है, पर हर एक प्रेम कहानी आपके सामने एक सवाल छोड़ जाती है। इस प्यार को क्या नाम दूं? ये जानने के लिए हम 15 साल पीछे जाते हैं। शीतल, जल्दी आना बेटा, स्कूल बस आ रही होगी। कंचन। हाँ? देख नहीं रही हैं आप, फर्श पर पानी बिखरा हुआ है। अरे मेरी बच्ची फिसल कर गिर सकती अरे? थी। अगर वो गिरती तो आप पक्का उसे संभाल लेते। उसकी इतनी खुशी में हम उसे डिस्टर्ब क्यों करें? हमें पहले से इसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ। आगे से ध्यान रखना, ख्याल रखना अपना। हाँ। कंचन, एक मिनट। हाँ। क्या आदमी है। सुन बे, रात को पी थी क्या तूने? बिल्कुल नहीं सर। तू झूठ बहुत बोलता है। करीबा ब्रेक काम करता है? काम करता है, तभी तो गाड़ी यहाँ रुकी है। हाँ, संभल कर गाड़ी चलाना। हाँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बाय मम्मी। संभल कर जाना, ठीक है? चलो। पिता प्रमोद जैन एक आदर्शवादी और सिद्धांत प्रेमी इंसान है। अगर ये बेटी को स्कूल भेजने में इतनी तहकीकात करते हैं, तो सोचिए बेटी की शादी के लिए ये क्या क्या नहीं करेंगे। पंछियों और जानवरों को कैद करना पाप होता है, ये हमारी संस्कृति में नहीं है। ये बाहर अकेला बैठा था पापा, बहुत डरा हुआ भी था। अब देखो ना पापा, अब इसका डर गायब हो चुका है। शीतल, पापा की बात सुनो, नहीं तो मौर पड़ेगी। हे, 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 रो क्यों रही हो? आज से ये तुम्हारे पास ही रहेगा, ठीक है? से बात नहीं कर रहा है। ओहो। जो कुछ भी करती है उसमें खूबसूरत कायनात की कल्पना करती है। कोई चीज हो या कोई इंसान, ये किसी में बदलाव पसंद नहीं करती, और जो नहीं बदलते ये उन्हें बहुत पसंद करती है। ऐसी है हमारी शीतल जैन। इस लड़के का जयपुर में मार्बल का व्यापार है, रंग रूप भी अच्छा है और पढ़ा लिखा भी क्या है। क्या बात है? है, इसका परिवार विदेश में रहता है। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। ए मेरा बच्चा। बाय पापा। बाय बच्चा।
बाय मम्मी, संभल कर जाना। ध्यान रखना बेटा। ओके। मेरी बेटी को अगर बेहद खुशहाल जिंदगी दे सकता है तो वहाँ लिखे टॉप 5 में से ही कोई एक मेरा दामाद बनेगा। IAS, IPS, CA, डॉक्टर, साइंटिस्ट। हाँ, साइंटिस्ट। बिल्कुल। जबकि पिता ने बेटी के लिए अपनी मनपसंद लिस्ट बनाई है, पर बाहर के टपोरी क्या शांत रहेंगे, वो कभी भी बीच में आकर टांग अड़ा देते हैं। रोहन, 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 रोहन। कहाँ है वो? इसे जल्दी फोन कर। अरे यार, अरे रुक ना, हाँ कर रहा हूँ ना। करना। रोहन, 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 रोहन। हो जाएगा। मेरा भाई। इसका नाम है श्री रामचंद्र मूर्ति। इसने नाम छोटा कर लिया क्योंकि इसकी करतूत से भगवान का नाम खराब हो रहा था। अब यह है चंद्र। ए, बोतल फेंक। अरे बात बात में जो भाग्य को अपने रोते, जीवन में कभी वो यारो रोते ही रहते और कुछ ना वो कर पाते। अरे लानत है उन पे। जीना मरना हंसना रोना लाइफ का ये ही किस्सा रे। कभी हारना कभी जीतना रोज का ही ये किस्सा रे। जीनियस है बंदा वो जो न टेंशन लेता है रे। जिंदा दिल है इंसान वो जो सदा खुश रहता है रे। प्लस में रहने की सोचना, माइनस में तू ना जा भैया रे। मौज कर ले, अरे जी ले जरा, खुश रह ले, अरे हंस ले जरा, अरे कल की ना सोच जरा। रात होते ही मेरे भाई का मूड चेंज हो जाता है, उसके बाद तो बस धमाल है। मौज कर ले, अरे जी ले जरा, खुश रह ले, अरे हंस ले जरा, अरे कल की ना सोच जरा। Hey.
फर्स्ट क्लास में पास हुआ फिर गंगा जमुना क्यों? मेरे फर्स्ट क्लास पास होने से किसी को इंटरेस्ट नहीं है यार। क्यों? सब कहते हैं उस कॉलेज ने मुझे पास किया, क्या मैं अपनी मेहनत से पास नहीं हुआ क्या? फर्स्ट रैंक आए ना तो टेंशन ना लेना, कॉलेज की लाइफ में ये होता रहता, खाली तू फोकट का ड्रामा तू न करना, जितनी भी जिंदगी हंस के तू बिता, दुनिया को गोली मार तू, गम तू सारे भुला दे, वर्ल्ड में नंबर वन है तू, गोल्ड मेडल तू ला दे, सक्सेस बस मिलता उसी को जो ना हिम्मत हारा कभी मिले, मौज कर ले, अरे जी ले जरा, खुश रह ले, अरे हंस ले जरा, अरे कल की ना सोच जरा, और सुबह सुबह पॉकेट मनी के लिए हमें उन्हीं के पास जाना पड़ता है। मौज कर ले, अरे जी ले जरा, खुश रह ले, अरे हंस ले जरा, अरे कल की ना सोच जरा। तू रुक ना रे, खतरों से ना डरना, पीछे तू ना हटना, रहना तू जोश में, आगे ही बढ़ना रे, हैप्पी हैप्पी गाना गाके यार एंजॉय करना रे, जीत उसी ने है पाई हौसला जो नहारा रे, कंफ्यूजन में रह के कभी भी टाइम वेस्ट ना तू करना रे, मौज कर ले, अरे चील जरा, खुश रह ले, अरे हंस ले जरा, अरे कल की ना सोच जरा। मनोरंजन और मस्ती के लिए भी हमें उन्हीं के पास जाना पड़ता है। मौज कर ले, अरे चील जरा, खुश रह ले, अरे हंस ले जरा, अरे कल की ना सोच जरा। बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। ठीक है, ब्याज का पैसा मुझे टाइम पर मिल जाना चाहिए, वरना तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। आपने हमारी मदद करके हम पर एहसान किया। इस बात के लिए एहसान मानने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा बोल रहे हैं। जीजा जी, अरे क्या हुआ? ये सच है ना, आपके बेटे की वजह से हम लोगों ने अपनी सारी रात डरते हुए गुजारी। क्यों? बियर वो पीता है, खिड़की हमारी तोड़ता है, बियर वो पिए, खिड़की हमारी तोड़े। अगर आपने उसे कंट्रोल नहीं किया ना, यहाँ सब कुछ तोड़ देगा जीजा। मैं तुझे एक आइडिया दूँ। बोलिए जीजा। उसके रात भर बाहर रहने की वजह से हमारी कॉलोनी चोरों से सुरक्षित है। जिसका बाप पहले ही इतना बिगड़ा हो, उसका बेटा क्या खाक सुधरेगा? हाँ हाँ, आ रही हूँ आ रही हूँ। बिटिया घर आ गई? अभी तक नहीं आई। आज इतना लेट कैसे हो गई? फिर से आप किसी की गारंटी ले आए? अरे वो लाला राम की बेटी। आप पूरे गांव की बेटियों की गारंटी लिए जा रहे हैं, देखिएगा एक दिन आप ही मुसीबत में आ जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बात यह है कि अपने मन की। आप तो मेरी इन्हें दूसरों की समस्या खुद की समस्या लगती है। इनका नाम है बाबूराम। किसी को दुख में देखकर इनका बाया अंगूठा हर किसी की जमानत देने के लिए बाध्य हो जाता है। मुझे पता है, एक दिन सबको बेचकर दूसरों की गारंटी लो। हाँ, अपना मुंह और ये रेडियो बंद करोगी? कब से कोशिश कर रहा हूँ पर सो नहीं पा रहा। अगर 8 घंटे की नींद ना ली जाए तो हेल्थ बिगड़ जाती है। इतना टीवी देखते हो फिर भी पता नहीं है। सुबह सुबह नींद खराब करती है। बदमाश कहीं के, ये कोई लॉज नहीं है। जब मर्जी सोते रहो।
इस घर में परिवार रहता है। चलो बाप बेटा ने मिलकर मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। सब अपनी मनमानी करते रहेंगे। माँ तो कभी मेरी सुनती ही नहीं है, पता नहीं ये कब मुझे समझेंगे। आप बड़े ग्रेट हो पापा, इतने सालों से माँ को झेलने के लिए आपको ऑस्कर मिलना चाहिए। पक्का एक ना एक दिन मिलेगा। तू ये अभी देख रहा है, जब हमारी शादी हुई थी तो ये मायके से ससुराल उसी बस में आती थी जिस बस में गाना बजाने वाला टेप रिकॉर्डर होता था। शोर मचाने की आदत है। किसकी माँ? तेरी माँ। ये क्या? कितनी बार कहा है तुझसे कि पानी इस तरह मत पिया कर, मारूंगी तुझे। बच्चों की तरह पीती रहती। तो फिर से शुरू हो गई। ये ले पकड़। नाश्ते में क्या है? फिर से इडली। रोज का यही ड्रामा है। क्या टाइमिंग है भैया? लंच के टाइम पर आप नाश्ता कर रहे हैं, डिनर के वक्त लंच, सही है? मेरा जन्म अमीर खानदान में होना था, दुर्भाग्य से यहाँ हो गया। इस घर में किसी को मेरी टाइमिंग और पसंद की परवाह है? हाँ हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है। हॉस्पिटल की नर्स ने मेरे बच्चे की जगह तुझे रख दिया होगा। भैया आपके लिए फोन है। और कौन वही होगा? तेरे बगैर तो उनको चैन नहीं। हाँ भाई बोलना। हम सब लोग वेट कर रहे हैं। तू वहीं सड़क किनारे रुक, मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ। ओके माँ। हाँ आ रही हूँ। लव यू माँ। कहता है कि अमीर हूँ बेवकूफ, मुझसे ही पैसे लेकर जाता है। हमारी संस्था वॉल ऑफ काइंडनेस की मदद करने के लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ आंटी। कोई बात नहीं बेटा, प्लीज दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बताइएगा, इससे गरीबों को मदद मिलेगी। हाँ जरूर बेटा। अंकल अपने कोलीग्स को भी बताइएगा वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में। ओके थैंक यू। जाने मत देना, हमारी करोड़ों की लड़कियों को बंदे मैसेज करता है। मुझे औरतों की इज्जत करनी नहीं आती। हाँ तेरी माँ बहन नहीं है क्या? तूने एक औरत को बदनाम किया, रुक तुझे सबक सिखाता हूँ। भैया इसने पास वाली सरोज दीदी को भी गलत मैसेज भेजा था, वो बहुत परेशान थी। तेरे माँ बाप को पता चलेगा तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। ए भाई इस चंदू के पास मारपीट के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो किसी न किसी से झगड़ता ही रहता है। तुम्हें पता इसने क्या किया? क्या हुआ है? लड़कियों को ब्लैकमेल करना गलत है या नहीं? बिल्कुल गलत है। अगर कोई तुम्हें गलत मैसेज करेगा तो तुम क्या करोगी? उसके दांत तोड़ दूंगी। यही करती ना? थैंक्स। तेरे कहते ही तेरे बाप ने तुझे फोन दिला दिया। अगर उनकी इज्जत उनका सम्मान करता तो ऐसा नहीं करता। सॉरी मुझे नहीं, उसको जाके बोल। सॉरी सिस्टर। थैंक यू भैया। थैंक्स मत कहो, ये तो हर भाई का कर्तव्य है। कैरमेल मकीटो और एक कैपेचिनो। टेक इट इजी ब्रो, काम हो गया। क्या मैडम, स्वच्छ भारत अभियान? ऐसा नहीं है, इसे अकेले यहाँ नीचे डर लगेगा और डस्टबिन में अंदर सब इसको फ्रेंड्स बना लेंगे, इसे भी खुशी मिल जाएगी। ये लो। थैंक यू। इट्स ओके। मुझे आपका कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया और आप भी। ये कहना क्या चाहता है? यस सी, ये मेरी 10th की मार्कशीट है, स्कूल में फर्स्ट। ये इंटरमीडिएट है, जिले में फर्स्ट। और ये एमसेट एग्जाम में स्टेट में फर्स्ट आया था। इंजीनियरिंग और एमटेक में गोल्ड मेडलिस्ट। मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मंथली सैलरी 5 लाख है। ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरा अमेरिकन वीजा है। नाउ आई एम गोइंग टू सेटल इन US विद फुल पैकेज।
पहले पानी पी लीजिए। मुझे ये प्रपोजल पसंद नहीं। What? मुझे पता है कि तुम अपना बायोडेटा क्यों बता रहे हो। लाइफ सिर्फ ग्रोथ के बारे में नहीं है, तुम जियोगे कैसे ये मायने रखता है। और इस फोल्डर में मुझे तुम्हारी लाइफ दिखाई नहीं दी। चलो अपनी शर्ट ठीक कर लो। थैंक यू। सॉरी मैं लेट हो गई। तू कल कहाँ बिजी थी? दो दिन से एक लड़के को देख रही हूँ। किसी ने एक लड़की को रॉन्ग मैसेज भेजा तो उसने उस लड़के को बहुत मारा यार। ऐसा क्या? मैंने आज भी उसे देखा। पता है वो क्या कर रहा था? वो रोड पर एक लड़की की खुली कमर देखकर मजे ले रहा था यार। फिर तो बदतमीज होगा। बेशर्म है पर अच्छा इंसान है। पता है उसने उस लड़की से शर्ट को ठीक करने को भी कहा था। तुम सड़क छाप लोगों के बारे में मत सोचो। पर उसमें कुछ तो इंटरेस्टिंग है। अरे वाह वाह, शाबाश। नारायण। अरे भैया आप कैसे हैं? बच्चे और भाभी जी कैसे हैं? वो सब भी ठीक है। हाय अंकल।
हाय, कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ। ये बेटे की शादी का कार्ड। मतलब हमारे साइंटिस्ट बेटे की। और आप लोग एक हफ्ते पहले पहुँच जाना। फिर आप अपनी बेटी की शादी कब करेंगे? कोई अच्छा लड़का तो पहले मिल जाए। ए, तुम जरा जाकर कॉफी लेकर आओ। भाई, लड़की वाले तो बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, 25 लाख कैश, 10 एकड़ जमीन के साथ कार भी दे रहे हैं। अंकल, सुना अपने साइंटिस्ट की शादी है? तुम्हारा क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं अंकल, बस चल रहा है। आपने इसे इतनी छूट क्यों दे दी? इसे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कब तक ऐसे अकेले काम करोगे? इसकी शादी भी करनी है। अगर ये अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो कैसे चलेगा? मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दूं, हम गैस सिलेंडर का कभी इंतजार नहीं करते, राशन की लाइन में कभी भी नहीं लगते, बिजली बिल ना भरने पर फाइन नहीं देते। पता है क्यों? क्योंकि हर जगह इसके दोस्त मौजूद हैं, और इसी की वजह से मेरी बाउंड्री वॉल में कोई लड़का मेरी बेटी को लव लेटर नहीं फेंक सकता। पता है क्यों? जैसा तुमने कहा, हमारे घर एक गैर जिम्मेदार लड़का है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी कमाल की है, सब कुछ मैनेज कर लेता है चुटकी बजाते। कहने का मतलब वो नहीं था। भैया ने ठीक कहा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो। सीधे सीधे कहो ना कि वो किसी काम का नहीं है। भैया, इनकी बातें मत सुनो, पहले मेरी हाथ की कॉफी पियो। ये सिर्फ बोल ऐसे रही है, वो अपने बेटे से मुझसे ज्यादा प्यार करती है। आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। बेटा जैसा भी है वो मेरा है भाई। बोलो बड़े भाई। बड़ा भाई नहीं, मैं कनक राव बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना अंकल। तेरा बड़ा भाई हमसे पंगे ले रहा है, उसे यहाँ से लेके चला जा, उसके लिए अच्छा होगा। मैं अभी आता हूँ अंकल। वॉल ऑफ काइंडनेस, जो देना है दे दो और जो लेना है ले लो, ये कुछ नई चीज लगती है। कॉन्सेप्ट पता नहीं किसका है पर मस्त है भाई। देखा क्या? मैंने तो नहीं देखा। बेवड़े से पूछते हैं। हेलो भैया, ये चंदू इसी कॉलोनी में रहता है क्या? चंदू को यहाँ कौन नहीं जानता है, मस्त छोरा है। मैं उससे पानी मांगता हूँ तो मुझे दारू देता है, मेरे लिए वो मेरा वन ड्रॉप है, यू नो। उससे तमीज से बात करना। अंकल, चंदू कैसा लड़का है? चंदू ना बहुत अच्छा लड़का है, कॉलोनी में कोई भी प्रॉब्लम हो वही खड़ा रहता है। क्या उसने तुम्हारी भी खिड़की तोड़ दी? रोज रात को दारू पीता है और तोड़ फोड़ करता है, किसी काम का नहीं है वो। चीची, चंदू को जानते हो? वो लंबे सिक्स मारता है, लोगों की खिड़कियाँ टूट जाती हैं। मेरा पक्का दोस्त है, अगर तुम्हें कुछ काम है तो बताओ, मैं सेटिंग करा दूंगा। नहीं नहीं, इनसे पूछो, ये मुझसे बेहतर जानती हैं। क्यों बेटी, चंदू से तुम्हें क्या काम है? शादी से पहले हम सभी दूल्हे की इंक्वायरी करते हैं ना, मैं उसे प्यार करने से पहले वही कर रही हूँ। प्यार? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? चंदू इन्हीं का बेटा है। पता नहीं क्या हो गया इन लड़कियों को, रख दो। आती हूँ मैं। ठीक है माँ जी। हमेशा कबाड़ को ही रिपेयर करते रहते, नया नहीं लेंगे। इतने दिनों से मैं ये सोचकर खामोश बैठी हूँ कि एक न एक दिन तो सुधर जाएगा, पर जनाब को लड़कियों का पीछा करने से फुर्सत मिले तब ना। मार्केट में किसी से झगड़ा करके आई हो क्या माँ? कौन सी लड़की, मुझे तो बस तुमसे प्यार है। तू नहीं जानता,
पूरी मार्केट में वो तेरी इंक्वायरी कर रही थी, बाद में मुझसे आकर पूछ रही है कि चंदू कौन है। चंदू सिर्फ इसका नाम नहीं है, और भी लोगों का नाम है। देख लिया, कुछ बातें मेरे पापा से भी सीख लो। ये आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, ऐसे गधों की इंक्वायरी करती घूम रही है। आप पर नहीं जी, मुझे तो अपनी सास पे गुस्सा आ रहा है जो इन्होंने तेरा नाम श्री रामचंद्र रखा तेरे दादाजी के नाम पर। अरे बीच में तुम मेरी माँ को क्यों ला रही हो, मेरी माँ तो देवी थी। उन्हें कुछ कहा तो आपको बुरा लगा? चाचा हाँ, एक सिगरेट देना। हाँ, ये लो बेटा। चंदू कल कॉलोनी में एक लड़की आई थी, तेरे बारे में पूछ रही थी। लड़की? हाँ लड़की। तू अब कभी भी ड्राइव और ड्रिंक नहीं करेगा क्योंकि तू हमेशा पकड़ा जाता है। रुक रुक, एक मिनट छोटे भाई। अब क्या हुआ? ये नदी की मछली पका कर तुझे भेजूंगा। ठीक है ठीक है, भेज देना। अरे क्या कर रहा है? क्या तू मुझे देगा क्या? 90 ये रात के लिए है ना? ठीक है भाई। छोटे भाई एक लड़की पूछ रही थी, स्कॉच बोतल जैसी थी, बस थोड़ी बदतमीज थी, गैर भूल हो के ड्राइवर गाड़ी लेकर आ, पैदल चलने में मुझे तकलीफ होती, चल। हाँ अरे बाप रे चंदू, मुझे गैरेज तक जाना है, ड्रॉप कर देगा? हाँ चलिए ना। घर पर तेरी माँ किस लड़की की बात कर रही थी? पापा मुझे नहीं पता, मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजन? हाँ। कंफ्यूज मत हो, वो लड़की जब भी तेरे सामने आएगी क्लियर कर लेना। क्या कहा आपने? वहीं के वहीं क्लियर कर लेना। हाँ कर दूंगा कर दूंगा। हाँ ओके चंदू। बाय पापा। बाय बेटा। ए अकबर ऐसा क्लच वायर दे दे। ठीक है सर। अरे ये सब नहीं, लड़की के बारे में बता। अच्छा उस बारे में? सही कह रहा है, सही कह रहा है। हम क्या बात कर रहे हैं? लड़की की ब्यूटी के बारे में। ब्यूटीफुल होती है, सही बोला ना? चलो एक स्मॉल मार के बात करते हैं। अच्छा बताओ यहाँ पे चंदू कौन है? समझ गया भाई, ये पार्सल लेकर आया था। चंदू को नहीं जानता फिर यहाँ क्यों आया? चल जा, तेरे लिए पार्सल है। दिन में अपने किसी को परवाह नहीं, रात में किसने पार्सल भेज दिया? बाप रे, अरे ऐसे हमारे फैंस हो तो हमें भी 10 बोतल मिल सकती है। जो तुम्हें ढूंढ रही है मैं वही लड़की हूँ। कौन है ये लड़की जो मुझ में इतना इंटरेस्ट दिखा रही है? आखिर कौन है ये लड़की? स्कॉच जैसी ही होगी, पर उसे ढूंढेंगे कैसे? जाओ ऐसे बड़े भाई, अब तुम्हारी वाली को ढूंढने की जिम्मेदारी जो है ना मेरी है। अरे भाई लगता है कोई दूसरा कोरियर वाला आ रहा है, मैं अभी कोरियर लेकर आता हूँ। चुप कर बे, ये गलत है। गलत है। कैसा लगा स्टेप? माइकल जैक्सन। मेरे लिए जरा एक 90 बनाओ। यहाँ बदमाश घूमते रहते हैं, हम यहाँ शांति और इज्जत से पीते हैं, अगर कुछ गलत हुआ तो हम पर ब्लेम आएगा। वी आर द सिक्योरिटी ऑफ दिस कॉलोनी यू नो। भाई पीना नहीं है क्या? तुम लोग पियो, मेरे लिए बनाओ। ओके। तुम मार्केट में मेरी इंक्वायरी कर रही थी ना? नहीं मुझे नहीं लगता। इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरी फ्रेंड। फ्रेंड? दिख तो नहीं रही है। हाँ, कॉलोनी में नहीं हो? हाँ। कौन सा ब्लॉक? सी ब्लॉक 45। सी ब्लॉक 45 वाले ने घर भेज दिया, मुझे बताया भी नहीं। पर सी ब्लॉक उधर है, इधर क्यों जा रही हो? चंदू सब ठीक है ना? हाँ मैंने बताया ना ये बदमाश लोग घूमते हैं। अरे सुन चलो, कॉलोनी में सब गधे हैं मुझे छोड़कर। कहाँ तक पढ़ाई की है? ग्रेजुएशन। पास या फेल? पास आउट। मेरी बहन सेकंड ईयर में है, वो बड़ी तेज है, मेरे जैसे नहीं। एक मिनट, कोई हमारा पीछा कर रहा है क्या? तुम्हें नहीं लगा क्या? तुम कंफ्यूज क्यों हो? मतलब? नहीं कुछ नहीं, चलो चलो।
मुझे पता चला एक लड़की मेरी इंक्वायरी कर रही है, बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। वो डायरेक्ट मेरे सामने आ जाती तो कंफ्यूजन नहीं होता ना, है ना? आ गए, ये रहा सी ब्लॉक 45। जाओ। एक मिनट, तुम्हारा नाम क्या है? कल्याणी। जरा इधर आना, फोन दो। ये लो, अपने फोन पर मिस्ड कॉल दिया है, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। जाओ। वो लड़की कुछ नहीं, जाओ। बहुत कंफ्यूजन है। पहला है प्यार ये पहला नशा, पहला एहसास है ये पहला नशा, पहला खुमार है ये दिल पे छाया, पहली दफा कोई दिल को छुआ, थोड़ा है जुनून, थोड़ा है सुकून। दिलों की है बेकरारी पहली दफा, ये तो हमारी पहली दफा, ये तो छाई है बेताबी पहली दफा, कोई बेचैनी पहली दफा। तू ही लगे मुझे रियल हीरो सा, तू ही लगे मेरे ख्वाबों का राजा, तू ही लगे मेरे दिल का शहजादा, तू ही लगे। मैं तो रंगी हूँ तेरे रंग में, मेरे दिल को मिला सुकून जो मिला, जीने का ये नया जुनून मिला, मुझे मिली है मेरी मंजिल तू जो मिला, मेरे जागे अरमा तू जो मिला। पहला एहसास है ये पहला नशा, पहला खुमार है ये दिल पे छाया, पहली दफा कोई दिल को छुआ।
जुनून थोड़ा है सुकून ये दिलों की है बेकरारी पहली दफा अजब सी ये खुमारी इस दफा ये तो छाई है बेताबी पहली दफा हुई है ये बेचैनी इस दफा मैं सोडा में क्या मिक्स करूं, पानी में क्या मिक्स करूं, तुझे पता है ना मैं नीट बिल्कुल नहीं पीता। रुकना ए, अपना मनोज बड़े नशे में है, जो करना जा रहा है। दारू नहीं चढ़ती इसलिए कस्टमर केयर पर वो शिकायत कर रहा है। शिट। पर बॉटल पर से कस्टमर केयर का नंबर ढूंढने वाला आइडिया कमाल है। मनोज भी कमाल है। भैया भैया एक दीदी ने आपके लिए ये लेटर भेजा है। कौन है ये लड़की, ये सब लिख कर ये करना क्या चाहती है? पहली बार लड़की ने हम में से किसी को लव लेटर दिया है। रुक, मैं फोन कर रहा हूँ ना, चुपचाप रह। ये लव लेटर नहीं, फिल्मी गाना लग रहा है यार। गाना है या जो भी है मेरा है। अबे रुक ना। इसे कोई खास आदमी नहीं पड़ेगा। अरे भाई, हॉल में 50% का डिस्काउंट लगा है। सुन, लव लेटर पड़ेगा क्या? लव लेटर पढ़ने में मुझे शर्म आती है। एड्रेस लिख। हेलो भाई, क्या कर रहा है? अरे यार जल्दी करना। हेलो, अच्छा सुन, यहाँ पर अपना काम बन जाएगा ना। हाँ चलो अंदर चल के देखते हैं। ए भाई, यहाँ पर शर्ट दिखाना जरा। ए, ये शर्ट कैसा है? बढ़िया है ना? तुम लव लेटर पढ़ोगे? नहीं सर। भाई, अरे हम लोग उस लव लेटर को बाद में पढ़ लेंगे ना, ये शर्ट पहन के दिखाना, मस्त लगेगा। और दिखाना भाई, कितने की है? शीतल। हाँ मम्मी। कहाँ हो तुम? शॉपिंग मॉल में। पापा इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी, बाय। सुनिए जी। हाँ? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कौन है? हेल्प चाहिए, एक लव लेटर है, क्या आप उसे पढ़ देंगी? मैं पढ़ दूँ क्या? हाँ हाँ, पढ़ दीजिए ना प्लीज। तुम चंदू हो ना? जी मैडम, ये लेटर मेरे दिल के किसी चाहने वाले ने लिखकर भेजा है, आप पढ़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। डियर चंदू, हाँ, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। हे भगवान, फीलिंग बहुत अच्छी हो रही है, अब तो ये फीलिंग मुझे देखनी पड़ेगी। तुम मेरे साथ नहीं हो, लेकिन हर पल मुझे तुम्हारा एहसास होता है। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अंजाम। मैम, एक बार इसे रिपीट कीजिए ना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। अरे यार, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। इतना काफी है मैम, ये लेटर तो सीधा दिल में घर कर गया। मैं तुम्हारे लिए और लिखना चाहती हूँ, पर मेरी फीलिंग्स के सामने इस दुनिया के सभी शब्द कम पड़ जाते हैं, इसलिए इतना ही लिखा। मैडम जी, हे भगवान। भाई सुन, ये लेटर एक लड़की ने किस किया और अभी यहाँ से निकली है। कौन सी लड़की ने? अभी आया। शर्ट कहाँ रहे? मुझे लगता है मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है? जब दो लोगों में प्यार होता है तो 5 senses कनेक्ट होने चाहिए, और वो लेटर लिखते वक्त मुझे उसी का एहसास हो रहा था। वो फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर सकती। अभी उस लेटर को भूल जाओ, आगे क्या हुआ वो बताओ। फर्स्ट सेंस, उसका लुक। सेकंड सेंस, टेस्ट। थर्ड सेंस, स्मेल। फोर्थ सेंस, वॉइस। दिल करता है कि उसे सुनती ही जाऊं। इतना काफी है, मुझे तो सुन के ही मजा आ गया। वाओ, ये तो बड़ा थ्रिलिंग है। वो फिफ्थ सेंस कौन सा है? टच।
जो कुछ भी अभी हो रहा है ना, मैं उसे लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। ए, रुक। बोलो भैया। इधर आ। दूध पिएगा? बूस्ट मिला के पीऊंगा। भाई जरा एक बूस्ट देना। लेटर देने वाली को पहचान पाएगा? क्यों नहीं, चल बाइक पर बैठ। भैया भैया भैया, बूस्ट 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 बाद में पी लेना। मुझे आजा। क्रिकेट खेलने जाना है। आजा, मैं तुझे वहाँ छोड़ दूंगा। हाँ ठीक है। ढूंढने की बेचैनी तुम पर बहुत जचती है। जो तू लगा दिल ने मेरे कहा, मैं तेरा तेरा तू मेरा तू मेरा, तूने जो यूं छुआ सांसों ने ये कहा, मैं तेरा तेरा तू मेरा तू मेरा, मैं भी फिदा हो गई तुझ पे, दिल भी प्यार तो था ही ये होना, लव में दिल तो था खोना, मुझको तेरा ही था होना, एक दिन ये ही था होना। प्यार तो था ही ये होना, रंग में तेरे ही था ढलना, रूह में तेरी था रहना, प्यार तुझको ही था करना।
माँ बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? सुपर हिट सॉन्ग है, तुम्हें पसंद है? मुझसे ज्यादा मेरी माँ को पसंद है। ओ अच्छा, चलो। तुझ में मैं हूँ ढला, मुझ में तू है मिला, दिल में रूह में ख्वाबों में अक्स तेरा, ख्यालों में रक्स तेरा, दिन में रात में दिल का जुनू है चढ़ा तेरा, मुझ पे सुरूर चढ़ा नशा तेरा। I miss you मैं लिखता हूँ, I love you मैं कहता हूँ, सांसों में है रहता तू, बातों में है रहता तू। I miss you ये कहता तू, I love you ये कहता तू, सांसों में है रहता तू, बातों में है रहता तू। का प्लान करते हैं, टेक केयर ऑफ ऑल परमिशंस। हेलो, क्या कहा? चंदू हॉस्पिटल में है, ओमनी आरके, वो ठीक तो है ना? चपाती और चिकन कॉम्बिनेशन बेहतरीन है, ट्राई करो। क्या सारी पत्तियां और हरी सब्जियां मेरा इंतजार कर रही हैं? तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। अरे खा लेना, बड़े प्यार से बोल रहे हो। क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, क्या प्रॉब्लम है बोल। हमने कमेंट किया उसे तू कॉम्प्लीमेंट भी मान सकता है? कॉम्प्लीमेंट कैसे देता है बताऊं? चंदू, इन्हें कमेंट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर पता होना चाहिए। ये
अबे सुन, कॉलोनी में चंदू और शीतल की बातें चल रही हैं। इतना ही नहीं बड़े भाई, कॉलोनी में तो बहुत लोग थे, पर सिस्टर सिर्फ चंदू से कनेक्ट क्यों हुई? कॉलोनी में जीने वालों और कॉलोनी के लिए जीने वालों में बहुत अंतर है। जब मैं इसके साथ रहती हूँ तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। सिर्फ मैं नहीं, इसके आस पास रहने वाले सभी खुश रहते हैं। ये मेरे साथ होता है तो मैं सेफ फील करती हूँ। तुम्हें एक बात बताऊँ, ये इस दुनिया के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से जीता है। मुझे इतना प्यार दोगी, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा? कुछ भी देने की जरूरत नहीं, पूरी जिंदगी साथ दो इतना काफी है। क्या हुआ, ऐसे परेशान लग रहे हैं? सुनील जैन की बेटी किसी लड़के से प्यार करती थी और इसी के साथ गई। हमारे सुनील की बेटी? हाँ, हमारे सुनील की बेटी। इस बारे में जानने के बाद उसे गाँव से बाहर कर दिया गया। इससे परेशान होकर उसने सुसाइड करने की कोशिश की। सुसाइड? हाँ। ये बेटियाँ कैसे अपने माँ बाप की फीलिंग्स, उनके इमोशंस को भूल जाती हैं? क्या उन्हें जरा भी ख्याल नहीं आता? आप टेंशन मत लीजिए, हमारी बेटी को हमारे प्यार की कद्र है। अभी सो जाइए। तुम जाओ, मैं सो जाऊंगा। ये नाखून इतने क्यों बड़ा है? ये नाखून नहीं, मेरी दादी हैं। उनकी नाखून और मेरे नाखून बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, इसलिए पापा हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी दादी जैसी दिखती हूँ। हाय दादी, मैं हूँ चंदू। आपकी तरह ही मैं भी इसका साथ जिंदगी भर निभाऊंगा। नहाने के बाद अपने आप चला जाएगा। ये वैसा ही रिश्ता है जैसा आप तलाश रहे थे। ये लड़का एकदम बेदाग चांद जैसा है। मैडम, ये मुझे सीढ़ियों के पास मिला। बच्चा सोया नहीं अब तक? पापा बस सोने ही जा रही हूँ। हेलो, मैं शीतल जैन का फादर प्रमोद जैन बात कर रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नर्सरी पर आ जाओ। आता हूँ। जय जिनेंद्र। नर्सरी कमाल की अंकल। बोलिए ना अंकल, मुझसे क्या बात करनी थी? क्या मैं पूछ सकता हूँ रात को तुम मेरे घर क्यों आए थे? उस वक्त आपकी बेटी ने मुझसे आइसक्रीम मंगाई थी। आखिर प्यार करता हूँ, मना कैसे करता? क्या तुम जानते हो इस दुनिया में महान लोग सबसे पहले क्या करते हैं? प्यार करते हैं, लव। अगर काबिलियत के हिसाब से इसका टिकट मिलता ना, तो कोई भी उसे खरीद नहीं पाता। ये देखो, ये लड़का कलेक्टर बनने वाला है।
फादर रिटायर्ड प्रोफेसर है, इज्जतदार खानदान, धन दौलत, सब कुछ परफेक्ट है। मेरी बेटी उस घर में बहुत खुश रहेगी, ये मैं मानता हूँ। ऐसा नहीं अंकल, चंदू का साथ पाकर वो सबसे ज्यादा खुश रहेगी। तुम जैसे शराबी जिनकी सुबह हैंगओवर के साथ होती है, किस भरोसे पर मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ दे दूं? 6 फीट मेरी हाइट है, कलर भी लगभग आप लोगों जैसा ही है, देने के लिए मेरे पास प्यार है, इसके अलावा और क्या चाहिए? इतना काफी है। अंकल ये नर्सरी आपकी है क्या? बताता हूँ, सब बताता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ नमस्कार, बाबूराव से बात हो रही है? हाँ जी बात हो रही है। मैं एक मैरिज कंसल्टेंट हूँ, मुझे पता चला है आपकी बेटी शादी के लायक है, एक अच्छा रिश्ता आया है, क्या बोलते हैं? ए भगवान, अच्छा रिश्ता हम हाथ से क्यों जाने देंगे, पर फैमिली अच्छी है ना? हाँ फैमिली बहुत अच्छी है, उसके पिता एक मेहनती इंसान है। फिर तो ठीक है, पर लड़का क्या करता है? वो शरीफ तो है ना, और वो नौकरी करता है या व्यापार? वैसे अभी तो वो कुछ भी नहीं करता है, बेकार बैठा है। आपके कहने का मतलब है कि वो कुछ भी नहीं करता? पर लड़का देखने में बड़ा अच्छा है, उसकी लंबाई 6 फीट है। हाँ। अच्छा दिखने से क्या होता है, उसका अचार डालेंगे, मेरी बेटी को खिलाएगा क्या? लड़का अच्छा होना चाहिए। मेरी बेटी मेरी माँ पर गई है, हमने उसे लाड़ प्यार से पाला है, अब ऐसे नाकारे के साथ उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे, ये रिश्ता तो तुम भूल ही जाओ। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप उसे नहीं जानते, वो शादी के बाद खुद बदल जाएगा, फिर जिम्मेदार भी हो जाएगा। बंद करिए अपना मुंह। एक नाकारा इंसान जो अपने बाप के पैसों पर जीता हो, ऐसे इंसान को शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और आप तो समझदार हैं, आगे से सोच समझ कर रिश्ता बताइएगा। ये बताइए, ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करवाएंगे? टाइम पास बहुत हुआ, रखिए फोन। सुन लिया, तुम जैसे लोगों का प्यार में पड़ना ठीक है, पर शादी के लिए तुम्हें काबिलियत चाहिए, और ये मैं नहीं तुम्हारे पापा कह रहे हैं। तुम जैसे लोग सारी कोशिशें करके एक लड़की को अपने झांसे में ला सकते हो, पर उसकी सिर्फ आधी मेहनत अपने आप को काबिल बनाने में नहीं लगा सकते। तुम्हारे पापा या मेरा सोचना गलत है क्या कि बेटियों को एक अच्छा जीवन साथी मिले? मेरी बेटी के साथ मुझे भी तुम पर भरोसा होना चाहिए, और मेरा भरोसा जीतने के लिए तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है। एक मिनट, तुम्हें पता है तुम मेरी नजरों में कब बदलोगे? जब कोई बाप रिश्ता तुम्हारे लिए लाएगा तब यहां आना, मैं अपनी बेटी दे दूंगा, तब तक शीतल को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। छोटे भाई, तुम्हें ऐसा क्यों बोला उसने? उसका बाप अच्छा आदमी है, तभी तो चंदू को ये सब करने के लिए उसने कहा है। ए, उसका बाप किसी अच्छे आदमी से शादी करेगा, अपने चंदू से नहीं। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये भी बदल जाएगा। ये पिछले 10 साल से दारू छोड़ने की कोशिश कर रहा है, जब इसकी हड्डी टूटी थी और प्लास्टर चढ़ा था ना, तो उसमें दारू छुपा रखी थी। बुरी आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती है। पर लड़का क्या करता है, वो शरीफ तो है ना? वैसे फिलहाल तो वो कुछ नहीं करता, बेकार बैठा है। ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करवाएंगे? जब कोई बाप तुम्हारे लिए रिश्ता लाएगा ना, तब यहाँ आना। लगता है ये बुरा मान गया। मुझे नहीं लगता। ए, ए, सुनना, कहाँ जा रहा है? अच्छा चलता हूँ। कहीं बाहर जा रहे हो क्या? गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा सुनो माँ, मुझे जितना डांटना है तुम आज ही डांट लो, पर कल से डांटने का मौका नहीं मिलेगा, मैं अच्छा बनने जा रहा हूँ। पता नहीं अलार्म काम कर रहा है या नहीं। सुनो माँ, एक गिलास दूध देना। ये ले। गुड नाइट। बेटी, तेरा भाई उठ जाएगा ना? सुनो माँ, मुझे नाश्ता दो। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही है?
इतने शौक में क्यों? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इडली के अलावा कुछ और नहीं बना सकते आप? मैं कल से मेरे लिए पूरी बनाना। ठीक है बेटा। समर है क्या? नहीं बेटा, ये ले मुंबई की चटनी। नहीं बस हो गया। बेटा एक और इडली ले। बस हो गया। माँ, कितने दिनों के बाद मैंने भैया के साथ नाश्ता किया है। माँ, मेरे सर्टिफिकेट यहाँ रखे थे, आपने कहीं और रख दिए क्या? वही होगा बेटा, यहीं कहीं रखा होगा बेटा। यहाँ नहीं है। तूने कहीं देखा क्या? नहीं भैया, मैंने नहीं देखा। ये रहे तेरे सर्टिफिकेट्स। मुझे पता था कभी न कभी तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। मिडिल क्लास फैमिली के लिए वरदान की तरह होता है। थैंक्स पापा। हेलो अनिल भाई, मैं आ रहा हूँ। तू ऑफिस में है ना? अरे रुक जा भाई, आज मेरे बॉस का मूड खराब है। मैं बताऊंगा तुझे कब आना है, प्लीज डोंट माइंड। ठीक है भाई। हे भगवान, तुम यहाँ क्यों आए हो? हाय आंटी। हाय अनिल। अरे अरे नहीं नहीं बेटी, कुछ नहीं। ये शीतल है, फ्रेंड। ये तुम्हारे लिए। ले लो। एक्चुअली लड़की को तरीका नहीं पता। आप तो समझदार है ना। चंदू फोन दो ना, इधर जाके खड़े हो। चलिए एक फैमिली फोटो लेते हैं। ये हमारी फैमिली है, अच्छी है ना? हेलो, मैं हूँ कल्याणी। ये लो कल्याणी। हेलो शीतल, कहाँ हो? लाइट हाउस आई थी, आ जाओ। ओके। चंदू। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तब से हर दिन सपने जैसा लगता है। क्या? तुम दूल्हा बने हुए हो और मैं दुल्हन। ऐसा लगता है घोड़े पर बैठकर तुम मुझे लेने आ रहे हो। ये सपना सच होगा ना? ये क्या है? दाग चांद की खूबसूरती बढ़ाता है और चंदू मेरी। तुम अगर इतना प्यार करोगी तो मैं इसके बदले कुछ दे नहीं पाऊंगा। तुम वहां आकर मेरे सपने को पूरा नहीं करोगे? बाय बाय। ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब अगर वो पैसा नहीं दे सकता है तो गारंटर बनने का क्या मकसद था? साइन करते वक्त नहीं सोचा था कि 5 लाख रुपए कहाँ से चुकाओगे? थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। अगर वक्त दूंगा तो पैसे लौटा दोगे? कहाँ से लौटाओगे? इस घर की नीलामी करके मुझे मेरा पैसा मिलेगा बस। चंदू, चंदू, हिम्मत कैसे हुई? भैया, क्या सोच के मेरे पापा का गिरेबान पकड़ा? अपने से बड़ों का कॉलर पकड़ेगा तू? देखा कैसे? चुप रहे। मैंने सोचा था कि तू इंसान बन जाएगा, पर तू गुंडा का गुंडा ही रहेगा। भाई साहब, माफ कर दीजिए, ये बहुत शरीफ है, इसी का खामियाजा भुगत रहे। हमें थोड़ा टाइम दीजिए, ब्याज के तौर पर आप इन्हें रख लीजिए। मुंह बंद कर, तू जिम्मेदार होता तो ये दिन ना देखने पड़ते। बेटा होना ही काफी नहीं है, बेटा बनकर दिखाना पड़ता है।
मेरी गलतियों की सजा उसे क्यों दी? ये सब उस लाला राम की वजह से हुआ। क्या हुआ यार, सब ठीक तो है? मैं क्या करता, दिल की वजह से मजबूर हूं। जब मुझसे कोई सहायता मांगता है तो अपने आप को रोक नहीं पाता। कभी कभी अच्छाई भी हमें खून के आंसू रुलाती है। रामा राव जी, मुझे आपका घर चाहिए। बिना मेरे नोटिस के और बिना मेरी परमिशन के आप अपने घर की एक टाइल भी इधर से उधर नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो, वो घर ही नहीं, उस घर से मेरी पत्नी की सुनहरी यादें जुड़ी हुई हैं। वो सारी यादें हैं, मैं आपको मुझे बेचने के लिए कह रहा हूँ रामा राव जी, मार्केट रेट से ज्यादा रकम दिलवा दूंगा। मैं अपनी पत्नी की यादें तब तक संजोए रखूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। चलता हूँ भाई। दादाजी, सिर्फ सर के कहने पर आप अपना घर इन्हें मत बेचना। उसे बेचो मत, भले किसी को दान दे दो। अरे ये कौन है? बताया था ना सर, मेरा कजिन है, जॉब के लिए आया है। पर डेवलपमेंट के लिए घर सर को दे दो। दादी का नाम कभी नहीं मिटने वाला, बल्कि उनके नाम पर वहाँ बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यादें खूबसूरत होती हैं, किसी के काम आए तो और खूबसूरत होती हैं। जब लोग वहाँ रहने आएंगे तो दादी की आत्मा को शांति मिलेगी। आपको इन पर भरोसा करना चाहिए। मेरे पिताजी कहते थे, कभी कभी भरोसा सामने वाले की नजरों में दिखाई देता है। बताओ मुझे कहाँ साइन करना है, इसकी बात माननी पड़ेगी। बाबू सर, तुम नहीं थे इसलिए मेरे कितने ट्रांजैक्शन रुके पड़े थे, और तुम्हारे आते ही वो ट्रांजैक्शन चलने लगे। तुम कल से ही ज्वाइन कर लो बाबू। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। डोंट मेंशन इट। पापा, तू जैसा भी है मेरा बेटा है, तेरा सही समय शुरू हो गया। भगवान इसे बुरी नजर से बचाना। ये ले तेरा आईडी कार्ड। कांग्रेस यार। थैंक्स भाई। अब मेरी बारी है। ए तू चलना। ए वो देखो। वाह ग्रेट, उसका बाप किसी अच्छे लड़के से शादी करवाना चाहता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये बदल जाएगा। अरे वहां देखो। मैंने कहा था ना ये बदल जाएगा। हाँ यार बड़े भाई, मैंने कहा था ना ये एक दिन बदल जाएगा। सही कहा यार। अच्छा लग रहा है मेरा भाई। कांग्रेट्स भाई। लग रहे हो भाई। ए, क्या हुआ तुझे, बच्चों की तरह रो रहा है। भाई तुझे ऐसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तू सिस्टर से मिला क्या? सुख हो या दुख, सबसे पहले मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। आजकल ज्यादातर लेटर्स पिंक कलर में आने लगे हैं। ये लेटर हमें भेजा है ललिता जी की डॉटर इन लॉ सीता जी की होने वाली बहू ने, जिनका नाम है चपानी। बहुत अजीब नाम है ना। वैसे उन्होंने मुझे ये गाना अपनी सास को डेडिकेट करने के लिए कहा है। हाँ तो ललिता जी, हम ये गाना आपकी बहू के फरमाइश पर आपको सुनाने जा रहे हैं, तो सुनते रहिए। हाय आंटी। हेलो अंकल। हाय अहिल्या।
आओ बेटी, 100 साल जियोगी तुम। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि ये गाना मुझे पसंद है? चंदू ने बताया आंटी। आंटी चंदू। चंदू अंदर है बेटी, जाओ जाओ। चंदू, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था लेकिन तुमने यहाँ आकर मुझे सरप्राइज दे दिया। सर सर बोलिए सर। चंदू तू है कहाँ? सर कैफे में हूँ सर, और ऑफिस कब पहुँचेगा? 10 मिनट में आ जाऊंगा सर। ठीक है। Excuse me, ऑर्डर आने में और कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट्स। शीतल तुम प्लीज कैब लेकर घर चली जाना, मुझे अर्जेंट ऑफिस जाना होगा। हर पल जिए हम इंतजार में। तुम्हारे जैसे लोग पसंद हैं जो स्मार्ट होते हैं। आई लव यू श्रीराम। थैंक यू सर। आई लव यू। थैंक यू सर। मैंने मिस्टर कृष्णा राव से बात कर ली, अब सब ओके। हे, क्या कर रही हो तुम? सर फोन कैसे कट हो गया? गलती से हो गया क्या? सॉरी सर, सिग्नल वीक था। अच्छा सर, सब कुछ पॉजिटिव है, वो शाम तक जवाब दे देंगे। लव यू बाबू, अगेन आई लव यू। सॉरी जान, मुझे जाना होगा। क्या हुआ ये क्या हुआ, जाने तुम्हें ये क्या हुआ, क्यों ना दिल सुन रहा दिल की सदा। दिल का मैं क्या करूं, बिन मिले ये माने। बोलो चपाती। मुझे लगा था आज हम मंदिर जाने वाले हैं। तुम चली जाओ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तुझे मांगू मैं रब से दुआ में हर दफा, कभी होना ना मुझसे मेरे माही तू खफा। वो फोन करेगा। अच्छी प्रॉपर्टी है सर। हाँ, कंसल्ट के लिए थैंक्स। सॉरी सर, उसने फोन कट कर दिया। डिटेल्स तो सारे ओके हैं। ठीक है सर, मैं बात करता हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं। हेलो चंदू, शीतल बोल रही हूँ। शीतल, आपने किस नंबर पे कॉल किया? 9391554567 है ना? नंबर तो ठीक है, पर ये चंदू का नंबर नहीं है, श्री राम चंद्रमूर्ति का नंबर है। हेलो, हेलो, श्री राम चंद्रमूर्ति। हेलो, क्या हुआ भाई? कोई शीतल थी, चंदू के बारे में पूछ रही थी। मैंने बताया ये श्री राम चंद्रमूर्ति का नंबर है। श्री राम सर, जब से तुम आए हो मेरी कंपनी और मेरा बिजनेस लगता है जैसे रिंग रोड पे चल रहा है, ज्वाएं 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 मक्खन मलाई की तरह। फ्रेंकली स्पीकिंग, अयोध्या में भगवान राम रहते हैं पर मेरे दिल में ये श्री राम रहता है। सर थैंक यू सर। इसलिए ये सुदामा अपने कृष्ण को एक तुच्छ भेंट देता है। थैंक यू सर। तो मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम तो सच में काफी बदल गए हो। क्या कहा? मैं बदल गया हूं? ये क्या कह रही हो? 1 मिनट।
हेलो सर, बोलिए सर। श्री राम, मेरे प्यारे बाबू, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रास्ते में सर, बस 10 मिनट में पहुँचता हूँ। लव यू। सॉरी। हाँ, तुम वाकई में बदल चुके हो। पहले ये खा लो, चलो। चपाती बहुत मस्त है खाने में। क्या है, क्या है तेरी प्रॉब्लम? लड़कियों को समझते क्या तो हो? अपनी प्रॉब्लम बता दो। बॉस बॉस बॉस, सॉरी बॉस, इसके बाद का बुरा मत मानो प्लीज। ये मुझे छेड़ रहा था, तुम इसे सॉरी बोल रहे हो? कमेंट ही किया है ना, तुम चलो यहाँ से। चलो चलो, सॉरी बॉस, सॉरी। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम कितना बदल गए हो? मैं नहीं बदला, तुम चलो। हेलो यार, आज अपने मनोज का बर्थडे है, तू भूल गया क्या? नहीं, बस थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। जो हुआ उसे भूल जाना। सर कहाँ हो बाबू? सर सर, मैं आ रहा हूँ सर। लव यू बाबू, लव यू, बाय। रमेश सर अपने बेटे के साथ अमेरिका गए हैं, नेक्स्ट मंथ आएंगे। वेंकट राव कुछ ही दिनों में एग्रीमेंट बना देगा। ये 1000 स्क्वायर यार्ड की फाइल आप चेक कर लीजिए, फिर मंडे हम इसका रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। बाकी फाइल्स भी लाइन में हैं, मंथ एंड तक सब फाइनल हो जाएगा। इस कंपनी की ग्रोथ में मुझे सिर्फ तुम्हारी मेहनत नजर आ रही है सर। श्री राम, यू आर स्वीटेस्ट, यू आर हॉटेस्ट, यू आर लेटेस्ट, यू आर ग्रेटेस्ट, नथिंग बट एवरेस्ट। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू श्री राम। थैंक्स। अरे लगते चंदू आ गया। ए चंदू, ए चंदू, ए चंदू आ गया। आजा बड़े भाई, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बड़े भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। सुनिए ना, सुनिए, सुनिए ना। हाँ सुनिए ना। क्या हुआ? ये देखिए ना। हाँ? इन्हें आप रख लीजिए। आखिर मैं हूं तो आपका ही बेटा। बेटा, तेरा जन्म हॉस्पिटल में नहीं हुआ, तू नानी के घर पैदा हुआ था। देखा आपने, हमारा बेटा खरा सोना है। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। जब ये किसी काम का नहीं था तो मेरा बेटा था, काम करने लगा तो तुम्हारा बेटा हो। बस भी कीजिए। भाई साहब। अरे सूर्या, कोई खुशखबरी लाए हो क्या? हाँ, ये खुशखबरी हम दोनों के परिवार के लिए है। ऐसा क्या हो गया? मैं इसे ठीक से समझ नहीं पाया। बेटा, मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, तुम उससे शादी कर लो। जब कोई बाप तुम्हारे लिए रिश्ता लाएगा ना, तब यहाँ आना, मैं अपनी बेटी दे दूंगा। अंकल, क्या कहा आपने? चंदू, तो तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? मेरे साथ चले बता था। अरे अरे अरे, 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 अरे कहाँ जा रहे हो? उसे लेकर कहाँ जा रहे हो? ये मुझे कहाँ ले आए बेटा? अरे आप आइए तो। अंकल, इनसे कहो जो मुझसे कहा था। मैंने इससे अपनी बेटी की शादी की बात की तो ये मुझे यहाँ लेके आ गया। अब तो आप समझ गए होंगे अंकल, मेरी शीतल। हर बेटी का बाप यही दुआ करता है कि उसका दामाद एक बहुत ही अच्छा लड़का हो, खुश रहो। बोल बेटा। सुन माँ, तू लकी है, तुझे एक खूबसूरत बहू मिलने वाली है। सुनिए। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या है? मेरी शादी फिक्स हो गई। कॉन्ग्रेट्स। कॉन्ग्रेट्स? कांग्रेस क्यों बोल रही हो? पता है मेरी होने वाली दुल्हन कौन है? चिकन वेज चपाती। अच्छा मैच है ना? एक्सक्यूज मी, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं शीतल जैन हूँ। ये क्या, मैं यहाँ तुम्हें सरप्राइज देने आया हूँ और तुम मुझे शॉक दे रही हो? क्या हुआ तुम्हें? मैं चंदू हूँ। कभी चंदू मेरी ताकत था, पर इस चंदू के साथ मुझे बहुत डर लगता है।
तुमने खुद को इतना बदल दिया, पर मैंने प्यार और शादी के सपने चंदू के साथ देखे थे, श्री रामचंद्र मूर्ति के साथ नहीं। अगर तुम वो चंदू होते तो मेरी आंखों में ऐसे आंसू नहीं आने देते। हमेशा एक जैसा रहना मुश्किल है क्या? लोग कितनी आसानी से बदल जाते हैं। ये सब तुमने इतनी आसानी से कह दिया, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। सिर्फ ग्रोथ ही काफी नहीं, लाइफ को जिया जाता है। तुम्हें एक बात बताऊं, ये जिंदगी को दूसरों के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से जीता है। अगर तुम्हें कहीं मेरा चंदू मिले तो उससे कहना उसकी शीतल इंतजार कर रही है। शीतल, कौन आया है? कोई श्री राम चंद्र मूर्ति है, रियल एस्टेट एजेंट है। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शीतल बचपन में खेलने के लिए रास्ते से एक कुत्ते को घर लेकर आई थी। मैंने उसे समझाया वो सड़क छाप है, पर वो नहीं मानी। उसने कहा वही चाहिए। कुछ दिन बाद अचानक वो कुत्ता आलसी हो गया और उसके साथ खेलना बंद कर दिया। देखो ना पापा, हैप्पी मुझसे बात नहीं कर रहा है। उसके बाद वो खुद उस कुत्ते को वापस उसी सड़क पर छोड़ आई। उस कुत्ते का आलसी बनना और तुम्हारा एक सड़क छाप से लायक बनने के पीछे का कारण मैं हूं। कोई अपनी बेटी का हाथ तुझे देने आया है ना, उसी से शादी करके खुश रहे। अगर दोबारा मुझे कभी डिस्टर्ब किया तो जैसे मैंने तुझे अपनी बेटी की जिंदगी से बाहर निकाला है, वैसे मैं तुझे तेरी जिंदगी से बाहर निकाल दूंगा। श्री रामचंद्र मूर्ति आउट। बाबू, मेरे श्रीराम, मथुरा दास कृष्ण राव का बेटा मिनर्वा कॉफी शॉप में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आ जाकर उसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लो। ठीक है सर। किचन भी साफ कर देना। ठीक है मैडम। देखो लाइट आ गई है। लक्ष्मी, मोटर ऑन कर दो। करती हूँ मैडम। किसका नाम लिखवाया है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। चलो। तुम्हारी बचपन की यादें मिट ना जाएं इसलिए तुम्हारे पापा ने इस कमरे को पेंट नहीं करवाया। पर ये लिखकर तुमने अपने पापा के दिल पर बहुत बड़ा जख्म दिया है। अगर तूने उनके प्यार को नहीं समझा तो इसे क्या समझोगी? पापा। क्या हुआ बेटा? पापा, मेरी खुशी के लिए आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। भाई,
थैंक यू भाई। अरे अंधा है क्या? सॉरी भाई। क्या सॉरी? तेरी आइटम कहाँ गई? क्या रे हीरो बनता है क्या तू? प्लीज कल्याणी बोलो। चंदू है वहाँ, मेरी बात कराओ, वो फोन नहीं उठा रहा। क्या हुआ? वो शीतल और चंदू। जिम्मेदारियों का एहसास करके मैं अपनी फैमिली के करीब आ गया, पर खुद को बदलने में मेरा प्यार मुझसे दूर चला गया। मनोज भाई, हम एक बार सिस्टर से बात करके देखते हैं। कोई फायदा नहीं, शीतल अब किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। सब खत्म हो गया। मिले क्यों हमें तुम मिलके भी यारा, दर्द सा मिले हमें पर मिला सुकून नहीं यारा। ये कैसा सिला प्यार का? ये क्या? चांद को खूबसूरत उसके दाग बनाते हैं और मुझे चंद। तुम्हारे इस प्यार के बदले मैं तुम्हें कुछ भी दे नहीं पाऊंगा। तुम मेरा साथ दोगे ना? मंजिले ना कोई रास्ता, टूटा क्यों ये दिलों का राबता? ना मिले क्यों हमें तुम मिलके भी यारा। अपने भाई के चेहरे पर वापस खुशी देखना चाहती हूँ। दर्द सा मिले हमें पर मिला सुकून नहीं यारा। जरा ध्यान से चेक करना, ठीक है? नमस्कार, आइए। हे कृष्णा, जरा देखो सर को क्या चाहिए। मेरा नाम बाबू राव है। तुम जाकर अपना काम ओके सर। मेरा बेटा आज अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा है, उसके पीछे आपका हाथ है ये जानकर मुझे खुशी हुई। पर मेरे बेटे की खुशियां छीनने वाले भी आप हैं ये जानकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरी भी एक बेटी है। ना सोचा था कभी ऐसा भी होगा, जीना पड़ेगा तन्हा जुदा होके हमें। प्यार हमारा हमसे यूं खफा होगा, आवाज ना दोगे मुड़ के तुम हमें। क्या है हुआ ये, क्यों है हुआ ये, रूह से जुदा क्यों जिस्म हुआ ये। मंजिले ना कोई रास्ता, टूटा क्यों ये दिलों का राबता। हेलो चंदू, शीतल की शादी तय हो गई। काश मिले मिल जाए तू ऐ जिंदगी यारा। शिकवे गिले हैं जो भी मिट जाए सभी यारा। अपनी माँ का बेटा बनने में मुझे पूरे 23 साल लग गए, फिर 2 महीने में किसी का पति कैसे बन सकता हूँ? सॉरी अंकल, फ्रेंड्स है ना, इन्हें भी दर्द हुआ, आप प्लीज जाइए। शुभम करो
करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपिकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरुतु मे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। तुम बहुत खूबसूरत हो, कहीं तुम्हें मेरी नजर न लग जाए। ऐसा कुछ नहीं, तुम भी बहुत सुंदर हो। तेरी सफलता देखकर मैं बहुत खुश था, पर मुझे नहीं पता था तेरी ये सफलता तुझे खून के आंसू रुलाएगी। बेटा, कैसे समझाऊं? औरतें ऐसी ही होती हैं, हम नहीं समझ सकते। अपनी माँ को देख, दाल अच्छी बनी है कहो तो खुश हो जाती है, कोई कमी निकालो तो दुखी हो जाती है। उनके सुख और दुख दोनों की वजह हम ही है बेटा। इन दोनों को साथ में देखकर मैं बहुत खुश थी, पर जैसी हमने उम्मीद की वैसा नहीं हुआ। बस एक ही मिनट, मुझे अपनी बेटी से एक बार बात करनी है। क्या तू जानती है कि जब तू पैदा हुई थी तो मैं तुझे क्या बुलाता था? अपनी मां। तू मेरी मां है रे। तुझे एक आईएएस पति ही मिले मेरी इस विचारधारा को बदलने के लिए। मैं पिछले दो दिनों से बेचैनी महसूस कर रहा हूं। अब तो बता दे चंदू के बारे में। वो चंदू नहीं रहा पापा। बस, बस, बस। तेरी जिंदगी से उसे बाहर निकालने के लिए मैंने ही चंदू को श्रीराम मूर्ति बनाया। मैं सच कह रहा हूं बेटी। पर मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि मैं उसकी खुशियां नहीं बल्कि तेरी खुशियां छीन रहा हूं। एक मिनट अंकल, आप अपनी बेटी की शादी एक परफेक्ट लड़के से करना चाहते हैं ना? पर यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है, ना आप, ना मैं, और ना आपका वो आईएस दूल्हा। यहाँ तक कि शीतल भी परफेक्ट नहीं है। शादी के लिए पति पत्नी एक दूसरे के लिए परफेक्ट होने चाहिए। अंकल, पता है आप एक बाप के तौर पर फेल कब होंगे? जब आपकी बेटी की जिंदगी की सबसे खूबसूरत पल में उसकी आंखों में आंसू होंगे। अंकल, उसकी आंखों में आंसू देखकर आपको अपने फेलियर होने का एहसास होगा। जब एक लड़की को मंगलसूत्र पहनाया जाता है तो उसके चेहरे पर खुशी होती है, और आंसू तब होते हैं जब वो विदा होती है। पर मेरी बेटी की आंखों में इस मंगलसूत्र के बांधने की खुशी नहीं होगी। ये सब मुझे उस चंदू ने बताया था उस दिन। वो तुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी बात सुन। मैंने उसे आज तक गलत समझा। हाँ, अगर चंदू श्रीराम मूर्ति में नहीं बदलता तो मैं ये शादी बीच में रोकने के बारे में सपने में भी नहीं सोचता। इंसान जब बदलता है तो उसके प्यार करने का नजरिया भी बदल जाता है, पर प्यार नहीं बदलता। वही चंदू तेरे लिए करेक्ट है बेटा, सच कह रहा हूं। जा बेटा, इस समाज से और इस इज्जत से कई ज्यादा बढ़कर मेरी बेटी की खुशी है मेरे लिए। मैं आप सबसे माफी चाहता हूं,
आप लोग बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए। सॉरी। जा बेटा जा। हाँ। कंफ्यूज हो गया था पर फ्रस्ट्रेशन में मुझे तू मिल गया। हाँ? उसने कहा कि मैं चंदू नहीं इसलिए अब मैं उसे पसंद नहीं हूँ। उसके बाप ने मुझे श्रीराम मूर्ति बनाकर मेरा कंपेयर एक कुत्ते से कर दिया। तुम लोग कमेंट करते रहे असल में प्रॉब्लम क्या है? भैया 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 मेरी बातों को दिल पे मत लो भैया। क्या बोला? दिल पे ना लूं? इसे कमेंट और कॉम्प्लीमेंट में फर्क समझा दो। ये क्या? तुमने कहा था मैं चंदू नहीं श्री रामचंद्र मूर्ति हूँ, हाँ? अब यहाँ क्या कर रही हो? अब तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, जानता हूं। प्यार कोई कारोबार नहीं है, लेकिन जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए ऐसा कारोबार करना ही पड़ता है। पर उन्हें कभी मत भूलना जो अपनी जिंदगी को छोड़कर तुम्हें अपनी जिंदगी मानते हैं। टाई क्यों बांध रही हो? असिस्टेंट मैनेजर को थोड़ा डिग्निफाइड दिखना चाहिए। सीने से जो तू लगा दिल ने मेरे कहा मैं तेरा
जो यूं छुआ सांसों ने ये कहा मैं तेरा तेरा तू मेरा मैं भी फिदा हो गई तुझ पे दिल भी हुआ फना कसम से तुझ पे प्यार तो था ही ये होना लव में दिल तो था खोना मुझको तेरा ही था होना एक दिन ये ही था होना प्यार तो था ही ये होना रंग में तेरे ही था ढलना रूह में तेरी था रहना प्यार तुझको ही था करना मुझ में तू है मिला दिल में रूह में ख्वाबों में अक्स तेरा ख्यालों में रक्स तेरा दिन में रात में दिल को जुनून है चढ़ा तेरा मुझ पे सुरूर चढ़ा नशा I miss you, मैं लिखता हूँ I love you, मैं कहता हूँ सांसों में है रहता तू बातों में है रहता तू I miss you, ये कहता तू I love you, ये कहता तू सांसों में है रहता तू धूम्रपान और मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक है। इससे कर्क रोग होता है। आवासं पुरवासि तत्त्वमतिरेकं जत्वालीनया अंतलीन विचार अन्यभृति चापल्या समुत्तीरणं धात्रेयी
ब्रजनाटकं प्रदिमि उत्थानं भुजाद्योतकम् अस्तित्वं वरयो द्विपात्तु विरजिं मुन् जर्झरं भूटकम् रहिए। समाज में खुलेआम घूम रहा है एक सीरियल किलर। 6 लोग जिसका आपस में कोई संबंध नहीं था उनका बेरहमी से कत्ल किया गया है। सबको कला काट के मार रहा है। एक की लाश पुरानी केमिकल फैक्ट्री में मिली है और दूसरे की लाश शहर से बाहर एक खेत में। हत्यारा आज भी खुलेआम घूम रहा है, इसलिए जनता से अपील है कि वो घर में रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि आप सुनिए जी, कॉफी। पागल हो गई हो? फिल्टर कॉफी लाने के लिए कहा था ना, क्या लेकर आई हो तुम? वही लाई हूँ जी, अच्छी नहीं बनी क्या? इसे तेरे चेहरे पे फेंकता हूँ, चाट के देख ले, तब तुझे पता चलेगा अच्छी है या नहीं। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? नींद अच्छी आई ना? मैं बहुत अच्छी हूँ। नई जगह है ना, इसीलिए पूछा। इनफैक्ट घर से अच्छी नींद तो यहाँ पर आई है। ठीक है, काम में ध्यान ही नहीं है। मैं दूसरी कॉफी लेकर आती हूं। रुको, तेरा बेटा जैसी पीता है वैसी नहीं लाना, मैं पीता हूं वैसे लाना। ठीक है। कहां जा रहे हो? नए बिजनेस के बारे में एक फ्रेंड से बात करने जा रहा हूं, 1 घंटे में आ जाऊंगा। तुम भी चलो, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। देखते हैं, नहाने के बाद अगर बॉडी पेन कम हुआ तो चलते हैं। बॉडी पेन हो रहा है? तुम्हें कोई टैबलेट चाहिए तो ले आऊं? जरूरत नहीं, अगर आज सोने दोगे तो काफी है। जाते समय दरवाजा बंद कर देना। कहाँ जा रहा है? एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूं। ए तेरी तो, वो नहाने गई है। या कमीने, शर्म नहीं आती? फ्रेंड से मिलने क्यों जा रहा है? और तेरी नौकरी का क्या हुआ? फ्रेंड के साथ नौकरी के बारे में बात करने ही जा रहा हूं पापा। ओ, फ्रेंड नौकरी देगा क्या? बहुत अमीर है क्या? तुझे खिलाना ही मेरे लिए भारी पड़ रहा था, ऊपर से नालायक शादी करके बीवी लेकर आ गए। सिर्फ 2 दिन अगर नौकरी नहीं मिली, तुम दोनों को लात मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। Hey, idiot, keep the keys over there and go. राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने
नमो वयं वैष्णवनाय कूर्महे शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबार मावर बाबार मावर साई बाबार मावर शुद्ध भक्ति चंद्र भागा भाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा। हेलो अ चॉकलेट टी या One dozen delicious pastry. Yes, sir. And one French croissant, please. 550 rupees. ये क्या है? You don't want this? No, sir. मैं नहीं जानता. Bro. Okay. Are you serious? Of course. मैं सच में नहीं जानता. उठा लीजिए. Please. ओके बाबार मावर साई बाबार मावर शुद्ध भक्ति चंद्र भागा भाव पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा जणू म्हणे बाबा साई भाव पाव माझे आई पाव माझे आई धाव पाव माझे आई घालीन लुटांगण वंदीन चरण डोळ्याने पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलंगिन आनंदे पूजिन भावे वाळीन म्हणे नामा त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय ते समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनाय रामचंद्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बिजनेस कैसा चल रहा है यार? बहुत अच्छा। वो नागेश लगा क्या राम? कैसा है? मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? हाँ। ए राम, मैं तुझे धमकाकर पैसे मांगने आया हूँ। इधर आ यार, तेरे पैर पड़ता हूँ, मेरे पैसे दे दे। तू ऐसा आदमी है, मुझे पता नहीं था किसी और से उधार लेके तुझे पैसे दिए थे यार। अगर मैंने उसे नहीं दिए तो मुझे मार देगा, प्लीज पैसे दे दे यार। ए नागेश, छी छी, मैं तेरा पैसा थोड़ी डुबाऊंगा। ए क्या क्या कहा? डूबेगा क्यों? आखिर ऐसा तूने क्यों बोला? मुझे समझ में आ गया, तू अभी के अभी मुझे मेरा पैसा वापस कर, मैं कुछ नहीं जानता। कल तू इसी टाइम पे आ जा, मैं दे दूंगा। क्या कहा? कल तू सच में दे देगा ना? पक्का? ठीक है फिर, अपनी माँ की कसम खाकर बोल, देगा ना? सिर्फ तेरी या मेरी माँ नहीं, पूरे देश की माँओं की कसम खा के कहता हूँ, दे दूंगा। तूने माँ की कसम खाई है तो जरूर देगा। थैंक्स राम। कल मिलता हूँ। ओके चलता हूँ, बाय। कल सच में दे देगा ना? दे दूंगा, चलता हूँ। को थोड़ी और दाल दूं? बेटी यामिनी, तुम भी बैठो और खा लो। परवाह नहीं आंटी, इनका होने के बाद हम लोग खाएंगे। अच्छा, और एक दूं क्या? हाँ। पापा, क्या है? दादाजी के एफडी से जो पैसे मिले हैं, 65 लाख मिले हैं ना, उनमें से कुछ 15 लाख मुझे मिल सकते हैं क्या? मुझे नया बिजनेस शुरू करना है।
शर्म लाज कुछ है तेरे पास बदतमीज कहीं का? बिजनेस बिजनेस करके 5 लाख डुबा दिए, ये कम है क्या तेरे लिए? यू लेजी बास्टर्ड, सुबह ही तुझे समझाया था ना, तेरी समझ में नहीं आता क्या? 2 दिन में अगर नौकरी लेकर नहीं आया तो तुझे और उस लड़की को इस घर से लात मार के बाहर निकाल दूंगा। क्लीनर का काम कर, ड्राइवर का काम कर, या जाके भीख मांग, मरना है तो मर जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नालायक। सुनिए जी, दवा खाकर सो जाइए। अंकल हमेशा ऐसे ही कम बात करते हैं क्या आंटी? पापा आपसे कल वो तो रेडियो ऑफ करो। सॉरी पापा। तेरी नौकरी का क्या हुआ? उसी में लगाऊं पापा, 2 दिन का टाइम दे दीजिए। पापा आपको कितना वक्त लगेगा? आपकी कोई मीटिंग है क्या सर? चुपचाप वेट कर। तू आ गया? तेरा चेहरा इतना उतरा क्यों है? क्या तू फूकेगा? मुझे इसकी आदत नहीं है। मुझे पता है तुझे किसकी आदत है और किसकी नहीं है, वो ठीक है, पर तेरी दुल्हन कैसी है? मेरी शादी हो गई, तू कैसे जानता है? हमारे घर में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चलेगा क्या? पापा ने घर से निकालने की धमकी दी है ना? ए, तेरी तरह मुझे निकालेंगे नहीं। मुझे निकालो तो मैं कुछ नहीं कर पाया, तुझे निकालेंगे तू क्या उखाड़ लेगा? थैंक्स, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, शट अप एंड गेट लॉस्ट। ओके, देन टेक केयर। सो हमारे पास बहुत अच्छा काम है, अगर तू करना चाहता है तो मुझसे कला नगर में आके मिलना, जिंदगी बन जाएगी तेरी। ए, तेरे को जाने को बोला ना, जा। या जा रहा हूं, जो बोला उसे भूलना मत। आखिर क्यों इस इंसान को छोड़ती नहीं हो तुम मां? पहले ही छोड़ देती ना तो इतने सालों तक टॉर्चर नहीं सहना पड़ता। बताती हूं, शादी के कुछ सालों तक तुम्हारे पिता बहुत अच्छे से रहते थे। तुम्हारे पैदा होने के बाद पता नहीं क्यों वो मुझसे नफरत करने लगे। मैंने सोचा था तुम बड़े होकर कुछ कमाने लगोगे तो मैं तुम्हारे साथ कहीं अलग रहने लगूंगी। राम
को देखो कैसा है और तुम कैसे हो। बेटा हम सब उन्हीं पर निर्भर हैं और जब तक हम उन पर निर्भर हैं तब तक हमें ये जुल्म सहना पड़ेगा। घर में लफड़ा क्या है? और क्या होगा, पापा के जुल्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज मां को मारते हैं। बिजनेस के लिए एफडी से पैसा मांगा तो देने से साफ मना किया। और इतना ही नहीं, बीवी के साथ घर से बाहर निकालने की धमकी दे रहा है। उसे लेकर कहां जाऊंगा, पागल हो गया है वो। अगर ये सब उसे बताऊंगा ना तो वो घर छोड़कर भाग जाएगी। इस बात का डर है मुझे, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं यार। मैं उन्हें मारूंगा नहीं। ये मारने के लिए नहीं है, इससे बॉडी हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाएगी। कॉफी में मिला के दे देगा तो बस उससे हमें हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। अरे वो मरेगा नहीं, सिर्फ बॉडी हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाएगी। इनफैक्ट उसके पैरालाइज होने से हमारी मुसीबत बढ़ेगी। अच्छे से ख्याल रखेंगे, कम से कम घर में शांति तो रहेगी। माँ को बचपन से तूने देखा है ना, उसने कितना टॉर्चर किया। एफडी का पैसा नहीं चाहिए क्या? तू कब सेटल होगा, बोल ना कब। सेटल नहीं होना क्या, कब होगा? तुझे जल्दी से पैसे मिलेंगे यार, ऐसे ही रहना है क्या? मुझे एंट्री मिलेगी घर में? ज्यादा मत सोच, ले ले। मॉर्निंग। मॉर्निंग। इतना लेट क्यों उठते हो? वो रात को लेट सोया था ना। वो ठीक है पर ये क्या है, एनर्जी के लिए लेकर आए हो क्या? ये कहाँ मिला तुम्हें? कबर्ड में। ये डैडी का ओल्ड मेडिसिन होगा, लाओ दो। अच्छा, लाओ अच्छा? दो ना। डैडी का ओल्ड मेडिसिन होगा तो मुझे कल या परसों क्यों नहीं दिखाई दिया? कोई बात नहीं, बताओ एनर्जी के लिए लेकर आए हो ना? ये मेरा नहीं है। तुम्हारा नहीं है? अब ज्यादा कर रही हो तुम, लाओ दो। तुम्हारा है सोचकर मैंने कॉफी में डाल दिया। जोक। ठीक है, लाओ दो। हाँ, क्यों दूं? क्या है आज, ऐसा क्यों कर रही हो? और वैसे भी बॉडी पेन तुम्हें है, मुझे नहीं है। माँ, जरा ऊपर आओ ना।
तू पागल हो गया है क्या? माँ पहले मेरी बात तो सुनो। शरणम शरणम गच्छामि तत्ते मरणम गच्छामि शरणम शरणम गच्छामि तत्ते मरणम गच्छामि शरणम शरणम गच्छामि शरणम शरणम गच्छामि तत्ते मरणम 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 गच्छामि शरणम शरणम गच्छामि। कॉफी लेकर आ। जॉब का क्या हुआ? मैं जॉब नहीं करूंगा पापा। जरा वो दरवाजा बंद करके इधर आ। क्या हुआ, चर्बी चढ़ गई है? कॉफी लीजिए। फिल्टर कॉफी है ना? हाँ। इसे और इसकी बीवी को दो दिन बाद घर से निकाल रहा हूं मैं। Oh.
माँ पानी लेकर आओ ना। और एक घंटा रुककर मैं यामिनी को झकाऊंगा और उसे कहूंगा सडनली ये सब हो गया और तुम भी याद रखना, ऐसा ही कहना है तुम्हें। यामिनी, यामिनी, यामिनी उठ जाओ। क्या हुआ लक्ष्मण? क्या हुआ? पापा को पैरालिसिस का अटैक आया है। व्हाट? ये आखिर हुआ कैसे लक्ष्मण? रोज की तरह ऑफिस से वापस आने के बाद कॉफी पी रहे थे, सडनली कप नीचे गिर गया। हम कुछ समझ नहीं पाए, पापा हिल भी नहीं रहे थे। फिर मैंने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर ने कॉल करके बताया कि पापा को परमानेंट पैरालिसिस हो गया है। तो मुझे क्यों नहीं जगाया तुमने? क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कंट्रोल योर सेल्फ आंटी, काम हो गया। आंटी मैं देखती हूँ। आप ये भैया यामिनी? ओ आइए। Hi. Hi. Myself Ram. My best half, Mahiti. Mahiti? My brother, Lakshman. Hello. Hi. My brother's best half, Yamini. Yamini. Yamini, Mahiti. Hi. Mahiti, Hi. Yamini. Mahiti, Lakshman. Yamini, Ram. Meri ma. Mahiti? Ma, shaadi kar liye maine. Ma? माहिती, माहिती, पार्वती, जी, सॉरी, माँ, आशीर्वाद दो। अच्छा माँ, पापा कहाँ हैं? वो अपने कमरे में हैं। माहिती, आओ। पापा माहिती, माहिती, पापा अपने हाथों से भले ही आशीर्वाद नहीं दे सकते पर इनका दिल बहुत बड़ा है। चलें क्या? पापा की ऐसी हालत के समय मैं घर आऊंगा कभी सोचा नहीं था मां। अरे मां रोना बंद करो, कष्ट इंसानों पर ही आता है मां, कष्ट देने वालों पर जल्दी आता है। यामिनी घर का मंदिर कहाँ है? भक्ति ज्यादा करती है ये। भगवान से प्रार्थना करना कोई बुरी बात है क्या? बिल्कुल है। राम सुन, क्या है? जरा बात करनी है। चल। तेरी शादी हो गई, तूने बताया नहीं। तेरी होगी, तूने बताया था क्या? चल यार, सामान लेकर आता हूं।
चलता हूं। सुनो यामिनी, एक ही बेडरूम है और दो कपल है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। एक दिन तुम शेयर करना, एक दिन हम कर लेंगे। इतना बड़ा हॉल है, किस दिन काम आएगा? अगर तुम्हें कोई भी परेशानी होगी तो बेझिझक आकर बताना, ओके? श्योर राम। एक बात याद रखो, ये हमारा घर है। अरे बाप रे माहिती, तुमसे बात करते करते पापा के लिए जो व्हीलचेयर और रेडियो लाया था वो तो दिया ही नहीं। देखा, पापा से बात किए हुए बहुत दिन हो गए, मैं बात करके आता हूँ। जब तक तुम जाके फ्रेश हो जाओ माहिती, ठीक है? तू भी फ्रेश होकर आ जाना, इनसे तो बाद में भी बात कर सकता है। आंखों के अलावा कुछ काम नहीं कर रहा है सुना है? जब मैं बड़ा हो गया और जब मुझे नौकरी नहीं मिली, तब तुमने मुझे घर से निकाल दिया। दिन रात देखे बिना तुमने मुझे टॉर्चर किया था, तब मेरा भी यूं ही भेजा छोड़कर, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। अब तुम्हारी बारी आ गई। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? तो तूने बचपन से जवानी तक जो टॉर्चर किया है, उसके लिए ये मेरा गिफ्ट। तू हिरण्यकश्यप बन गया था तो मुझे प्रहलाद बनना पड़ा। मैं नरसिम्हा स्वामी, मैं भगवान हूं। तूने गलती की, मैंने सजा दी। तो फिर अगले जन्म में ये सब याद रख के अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना, समझा? लड़कियों की तरह तू रो क्यों रहा है? अरे तेरे लिए मस्त गिफ्ट लाया हूं। तुझे म्यूजिक पसंद नहीं है ना? मुझे तू पसंद नहीं है, इसलिए ये लाया हूं। तू हमेशा ऐसे ही पड़ा रहे, इसलिए ये लाया हूं। अब तेरी जिंदगी यही है, रिमोट हाथों में होगा पर कंट्रोल हाथ में नहीं होगा। जीवन है मृत्यु है जीवन, समझ न पाया संत न ज्ञानी, रंग मंच का बस यही एक नाटक। पानी। थैंक्स बेटी। हेलो अंकल। हेलो बेटा। क्या हुआ तुम्हारे पापा को? रोज ऑफिस जाके सबको हंसाने वाले इंसान के साथ ऐसा होगा, मैंने सोचा नहीं था। कॉफी लीजिए। कैसे हैं भाभी जी? मैं ठीक हूँ। आखिर इनके साथ ये सब कैसे हुआ? अच्छा बेटा, अब इनकी रिकवरी नहीं होगी क्या? रिकवरी नहीं हो पाएगी। हाँ, मेरे पहचान में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर दिल्ली में है, वहां जाकर दिखाएं क्या? ठीक है अंकल, जरूर चलेंगे। आप पता लगा कर बताइए ना। हाँ अभी कॉल करता हूँ। लगता है बिजी है, उठा नहीं रहा है। मैं पता करके बताता हूँ बेटा। ठीक है अंकल, एक बार उनसे बात हो जाए तो हमें बता दीजिए। ठीक है। वैसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, रोज ऑफिस जाने से पहले
आपके घर पे आकर ऑफिस के हालचाल बताऊंगा अपने फ्रेंड को, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो। इसमें पूछना कैसा, आप कभी भी आइए। जरूर आइए अंकल। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखिएगा, चलता हूं। माँ, पापा को जरा बाहर से घुमा कर लाते हैं। ठीक है बेटा। बी केयरफुल विद द नाइव्स, हाँ, दे आर वेरी शार्प, इट विल किल यू माई ब्यूटिफुल लेडीज। राम अपने पापा से कितना प्यार करते हैं आपको पता है आंटी, हमेशा उनके बारे में ही बात किया करते हैं। इनफैक्ट कहते थे जब तक पापा आशीर्वाद नहीं देंगे हमारी शादी कंप्लीट नहीं होगी। अच्छा। हाँ, वैसे तो मुझे भी मेरे घर वालों को छोड़कर घर से अलग होकर यहाँ आने में डर लगा, पर यहाँ आने के बाद सारा डर खत्म हो गया। सेम हियर, पर बेचारे अंकल के साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो अच्छा होता। हे भगवान, इनको क्या हुआ? एफडी से कितना पैसा लेकर आने की सोच रहा है? 15 लाख। क्यों, पूरा एक ही बार में ले सकते हो ना, बार बार इसके साइन की जरूरत क्या है? देख, मेरे लिए अभी 15 लाख काफी है। तेरे मेरे 30-30 निकाल ले, तू अपने पैसे एफडी में डाल देना। ठीक है। हाय जी। हाय जी। पापा जी, आप कैसे हैं? अब ये ठीक है, अच्छे हैं। आज सुबह आपके घर से शास्त्रीय संगीत की आवाज आ रही थी, वेस्टर्न म्यूजिक सुन सुन के जो कान पक गए थे ना, बहुत सुकून मिला मुझे सुनकर। सच में शास्त्रीय संगीत बहुत महान है। गलत है, संगीत का कोई तोल मोल नहीं है, भले ही वो शास्त्रीय हो या वेस्टर्न हो, संगीत महासमुद्र है। तैरना ना आया, समुद्र में कूदोगे तो मरोगे ना। उसी तरह जब संगीत समझ में ना आया तो समझ लो आदमी बहरा है। समझ में आया? सही कहा। समझ गया ना? समझ गया सर। ओके। वैसे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये अपना बुढ़ाऊ साइन करेगा कैसे? सही कहा। फिर इसका क्या करें? अंगूठा लगवा सकते हैं क्या, पता करें? इसके अलावा इनका बैंक में कोई पैसा है क्या? बैंक में तो इन्होंने कोई पैसा नहीं रखा, क्योंकि सारा पैसा ब्याज पर घुमा रहे हैं। हमें उधार लेने की आदत है और इस बुढ़ऊ को उधार देने की, ये खुसट जिंदगी भर ऐसे ही काम करता आ रहा है, इसकी तो मैं क्या? अब क्या करें, सबको दे दिया, चल। अब क्या करना है, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, ये कह के भीख ही मांग सकते हैं। जो पैसा हमें देना चाहिए था वो दूसरों को देके बैठा है, हरिश्चंद्र की औलाद बन रहा है। अब चल चल। अब देखो किस तरह रोने की शक्ल बना रहा है, ये बाहर क्यों खड़ी है? हाय महिती। हाय। यहाँ क्यों खड़ी हो, सोई क्यों नहीं? वो क्या है, कोई लड़का तुमसे मिलने आया है, मैंने कहा तुम्हें आने में देर होगी, फिर वो अंदर तुम्हारा वेट कर रहा है। नाम क्या है? कोई नागेश नाम का है। यमिनी सो गई क्या? हाँ सो गई। हे, तू अंदर जा, मैं आता हूँ, जा। हाय। हाय। नागेश कब आया? माहिती, माय फ्रेंड नागेश। नमस्ते। माय वाइफ माहिती। पहचान गया। कब से आया हुआ है? मुझे आए बहुत समय हो गया, तू किसी जरूरी काम से बाहर गया था ना? हाँ। भाभी ने कहा तो मैं तुम्हारा वेट कर रहा था यहाँ। कॉफी पिया क्या? माँ जी ने दिया। दिया ना? हाँ। ये तुम्हारा ही घर है ना? हाँ। अच्छा है। हाँ राम। हाँ? मैं तो समझ रहा था कि तुम रोड पे घूमने वाले आवारा हो, तुझे पैसे तो दे दिए लेकिन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे यही सोच रहा था मैं, लेकिन आज तेरी फैमिली को देख के मुझे विश्वास हो गया है कि अब मेरे पैसे अब कहीं जाने वाले नहीं है। अगर थोड़ा जल्दी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता ना यार। नागेश, तुझे कितनी बार बोला कि मैं दे दूंगा, तू हमेशा मुझे गलत समझता है। ये कौन है? छोटा भाई है। हेलो भैया, मैं नागेश,
राम का फ्रेंड हूँ। मेरा फ्रेंड है। ओह नाइस। अच्छा सुनना, सभी सो रहे हैं, हम बाहर जाकर दम मारते हुए बात करेंगे। तुम्हारे साथ दम मारते हुए बात करूंगा तो बहुत मजा आएगा। अच्छा मौसम है ना? अरे मुझे बहुत ठंड लग रही है, तुझे नहीं लग रही है क्या? अरे काले लोगों को ठंडी नहीं लगती। अच्छा मजाक कर लेता है तू यार। थोड़ा टॉर्च ऑन करना। टॉर्च। हाँ टॉर्च करता हूँ। ये जलाएंगे तो मच्छर सब भाग जाएंगे। तू अच्छा बनाता है राम। ऐसे रख। और बता क्या चल रहा है। अच्छा राम, तूने कभी बताया नहीं कि तेरी यहाँ फैमिली रहती है और इतना अच्छा घर है। इस घर में तेरा भी हिस्सा होगा ना। तूने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तेरा इतना बड़ा घर था तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था ना। दिखावा दिखावा करना मुझे पसंद नहीं नागेश, सिंपल रहना चाहिए। तुम अच्छे इंसान हो राम। वैसे तुझे घर का एड्रेस किसने बताया? किसने? तुमने अपने घर का पता किसी को बताया होगा तो बताएगा ना मुझे। वही तो, एक दिन मैं तुम्हें ऑटो में जाते हुए देखा तो तुम्हारा पीछा किया। और यहाँ आके देखा तो इतना बड़ा घर, इतना अच्छा परिवार। मैंने डिसाइड कर लिया कि सुबह जाकर अपना पैसा तेरे से लेकर ही लौटूंगा। मैं कहाँ भागूंगा नागेश, मैं नहीं दूंगा क्या? ब्याज पर जिसने पैसे दिए कहीं उसे तो एड्रेस तुमने नहीं बताया ना? अरे नहीं नहीं, मैं तो उससे कभी भी बात भी नहीं करता हूँ राम। वो अच्छा इंसान नहीं है और मैं तो कहता हूँ तू भी कभी उससे बात मत करना। हाँ, मैं बात नहीं करूंगा। बहुत डेंजर आदमी है वो। बापरे, बहुत डेंजर होते हैं ऐसे लोग। अच्छा एक बार और टॉर्च दिखा। अरे क्या हुआ राम?
क्या हुआ माँ, तुम फिर से क्यों रो रही हो? बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शांत हो जाओ माँ, उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है ना, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। नहीं, तुझे कुछ पता नहीं है, मैं इस घर में नौकरानी थी। क्या? तुम्हारे पिता की पहली पत्नी राम को जन्म देकर मर गई थी। ये क्या कह रही हो तुम? बाद में हम दोनों के बीच संबंध बन गया, पर मुझे इन्होंने रखेल की तरह नहीं रखा, मुझसे इन्होंने शादी की। तेरा जन्म हुआ तो पाल पोस कर बड़ा किया। अगर ये चाहते तो मुझे छोड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। सुन, कुछ भी नहीं हुआ है, मां बस दुखी इसलिए रो रही है। ए, जो कह रहा हूं वो सुनना। मुझे पता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया माँ, पर ये मामला अगर बाहर किसी को पता चला तो गलत ही कहेंगे। तो दुखी रहो, डरो भी, पर बाहर किसी को मत बताना। पति अभी जिंदा है, सिंदूर क्यों मिटा दिया माँ? लगाओ, ओके? गुड मॉर्निंग महिती। मॉर्निंग। यामिनी उठ गई क्या? अभी नहीं। सो रही है? अभी तक नहीं उठी? अभी तक नहीं। नहा लिया क्या? नहा लिया, तुम भी जाके नहा लो। तुम नहला दो ना। अच्छा लगेगा, नहला दो ना। बेशरम। माँ हमेशा रोती क्यों रहती है? ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा। तू फिक्र मत कर, मैं देख लूंगा। क्या देख लेगा तू? रोते रोते अगर उसने किसी को बता दिया ना तो फंस जाएंगे हम। पति के साथ ऐसा होगा तो कोई भी बीवी ऐसा ही करेगी ना। और इस बात को लेकर तू ओवर रिएक्ट बिल्कुल मत कर। कह रहा हूं ना, मैं देख लूंगा तो देख लूंगा। तू देख लेगा ना? ओके। अच्छा, बड़े बेटे तुम ही हो? हाँ अंकल। क्या करते हो? मैं फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा हूँ अंकल, और इंसान क्या कर सकता है, वो तो सब भगवान करता। हाँ, है। वो तो है। हाँ अंकल। लक्ष्मण। हाँ अंकल। आयुर्वेदिक वाला डॉक्टर तो बाहर गया है, 10 दिन के बाद आएगा। आते ही हम चलेंगे उनके पास। ओके।
आयुर्वेदिक क्या कह रहा था वो? बाहर वाले कुछ भी कहते रहते हैं, करना तो हमें है ना। और हर चीज में तू अपना दिमाग मत लगा, बीपी बढ़ जाएगा। सब ठीक है ना? ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूं, जल्दी आ जाऊंगा। लक्ष्मण। अरे क्यों, क्या हुआ? रात को ठीक से नींद नहीं आई क्या? चेहरा उतरा हुआ क्यों है? आई थी, थोड़ा सरदर्द। सरदर्द था क्या? अभी कैसा है? कम हो गया। अच्छा है ना, शुक्र है भगवान का। तुम ठीक हो ना? टैबलेट्स लेकर आऊं? अरे पूछ क्यों रहा है, तू पति है ना, तेरे लिए तो सबको छोड़ के आई है ना। सिर दर्द कैसा है? अच्छा है। कम हो गया ना? जाने दे, शुक्र है भगवान का। ठीक है, रेस्ट करो तुम। हाँ लक्ष्मण। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? ए क्या, ये बुला रही है ना? हाँ बोलो। सॉरी। अच्छा कोई पर्सनल बात करनी होगी ना, मुझे पता नहीं था वो। सॉरी। क्या बात है? कब आओगे? बैंक जा रहा हूँ, एक घंटे में आ जाऊंगा। जल्दी आ जाना। श्योर, तुम आराम करो। मुझे माफ कर दीजिए, जब से आपके साथ मैंने ऐसा किया है मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। अगर मुझे माफ किया तो एक बार अपनी पलकें झपकाओ। हे भगवान। I miss you too. ये सब तो ठीक है, पर अभी तुम्हें अपनी माँ को संभालना चाहिए। अच्छा क्यों, क्या हुआ? जब आप घर पे रहते हैं तो ठीक रहती हैं, जैसे ही आप बाहर जाते हैं कमरे में बैठ के बस रोती रहती हैं। जाके तुमने बात की क्या? हाँ मैंने सोचा कि जाके बात करूं, पर आप उनसे बात करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक किया तुमने, बात करूंगा, करनी पड़ेगी, बेटा होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। करो। करूंगा। क्या ब्लीड से काट दिया? तुमने उसे देखा? ये उसे पता तो नहीं है ना? पता नहीं, शायद वो मुझे नहीं देख पाया था। गुड गुड, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये एक हफ्ते तक तुमने ये मर्डर देखा ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तब तक तुम्हें संभाल कर रहना होगा यामिनी, ठीक है ना? तुम ये क्या बोल रहे हो लक्ष्मण, हम पुलिस के पास जा रहे हैं ना? बात समझो यामिनी, कुछ दिन तक हम कुछ नहीं बताएंगे। बात को समझो लक्ष्मण। तुम मेरी बात को समझो, एक हफ्ते में मैं उसे जितने पैसे चाहिए उतने देकर ये घर अपने नाम करवाने के बारे में सोच रहा हूँ। फिलहाल ये सबके नाम पर है, माँ और पापा तो चाहते हैं कि ये घर मेरे नाम हो जाए, ऐसे में ये मैटर हम नहीं ला सकते। उसके बाद अगर तुम कहोगी तो मैं खुद पुलिस के पास चलूंगा तुम्हारे साथ, पर अभी अगर उसे ये बात पता चल गई तो वो कभी साइन नहीं करेगा और ये घर हमारे नाम नहीं हो पाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? समझ आ रहा है लक्ष्मण, पर वो हमें ये घर क्यों देगा? वो मैं सोचूंगा ना, वो मेरा बड़ा भाई है, मैं जानता हूँ उसे कैसे मनाना है। नहीं लक्ष्मण, सोचो मत, उसे अगर तुम्हारे बारे में पता चला तो वो तुम्हें भी मार डालेगा। प्लीज प्लीज यहाँ से चलो चलो। तुम पैनिक हो रही हो यामिनी, आई टेक केयर ऑफ इट। अगर ये घर मिला ना हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, तब भी अगर वो कन्विंस नहीं हुआ ना तो जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही करूंगा और इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन तब तक प्लीज तुम्हें उससे संभल कर रहना होगा, बहुत ही नॉर्मल बिहेव करना होगा, ठीक है ना यामिनी? आई नो दिस इज नॉट नॉर्मल, मैं गलत कह रहा हूं ये भी मैं जानता हूं, लेकिन प्लीज मेरी खातिर यामिनी प्लीज। इतनी दूर टैक्सी में जा सकती थी ना? एक तो इस खटारा गाड़ी का सेल्फ काम नहीं करता, ये तुमसे स्टार्ट नहीं होगी। मैं इतनी कमजोर भी नहीं हूँ समझ लो तुम। दारा सिंह, तुमको छोड़ दूँ मैं? चली जाऊंगी। भाभी कहाँ जा रही है? मंदिर, यामिनी से पूछो वो जाएगी क्या। वो भी नहाने गई है, आप जाइए। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। माइती संभल के जाना।
क्या है? मैंने अपनी बीवी को बाहर भेज दिया है। तू भी अपनी बीवी को बाहर भेज देगा तो मां से बहुत कुछ बात करनी है। ठीक है। यामिनी, वो मां की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पौधों को पानी दे दो ना। हाँ ठीक है। हाय अंकल। हाय बेटी, घर पे सब लोग हैं क्या? हाँ है अंकल। वो क्या है कि सुबह मैं हेलमेट भूल गया था, वही लेने। अरे मैं लेकर आऊँ क्या? अरे नहीं नहीं बेटी, तुम अपना काम करो, मैं लेकर आता हूँ। ओके। तुम्हें बोल रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो हम पकड़े जाएंगे। ए, तू रुक, मैं बात कर। हाँ के बात कर, बात कर, बात कर। क्या बात कर लेगा तू? बात कर ना कुछ। क्या हुआ? ए, तू रुक। माँ, कब से समझा रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ए, तू इस तरह से बार बार दुखी होकर रोया मत कर माँ। गलती हो गई, गलती हो गई, चिल्ला चिल्ला कर क्यों नहीं बता देती हो? ऐसे इंसान को मार देना चाहिए। बाप है इसलिए सिर्फ पैरालाइज किया है। अगर उसे पैरालाइज नहीं किया होता ना तो उसकी हरकतों से तंग आकर तुम पैरालाइज हो जाती। तुम्हें अगर लगता है कि तुमने कोई गलती कर दी है तो उसे मन में दबाकर रखो। ओके? क्यों अंकल, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं बेटा, वो हेलमेट भूल गया था, वही लेने आया था। चलता हूँ बेटा। हमारा पर्सनल मैटर है, इसमें टांग मत अड़ा, यही तुम्हारे लिए अच्छा। वैसे इतने अच्छे इंसान के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ए, काहे का अच्छा इंसान, उससे बड़ा जल्लाद मैंने आज तक नहीं देखा। उसने जो हमारे साथ किया ना, उसके लिए उसका गला कब का काट देना चाहिए था। ए, रुकना। बचपन से हमने जो सहा वो तुम्हें पता है क्या? हमारे पास और कोई चारा नहीं है, इसलिए ऐसा करना पड़ा। और वैसे भी ये सब तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दोबारा तुमने कभी अपनी टांग अड़ाई ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा अंकल है और तेरा भी वही हश्र करूंगा, याद रखना। तुम अपने पिता के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? भाई से चल, छोड़ो। प्यार से समझा रहे तो समझ नहीं आ रहा है, ठीक से पकड़। छोड़ो मुझे। कस के पकड़, प्लेट कहाँ है? क्या क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरे ठीक से पकड़ना। ए, मेरी प्लेट गिर गई। हाँ गिर गई। छोड़ो, छोड़ो। Thank you.
भाभी माँ आपको बुला रही है। तुम ही हो क्या सीरियल किलर जिसे पुलिस ढूंढ रही है? और साथ ही पुलिस वालों का कहना है कि आधे ब्लेड के टुकड़े से गले काटता है। ब्लेड के आधे टुकड़े के बारे में तो पुलिस ने नहीं बताया। मैंने आधा ब्लेड क्यों इस्तेमाल नहीं किया यही सोच रहे हो ना तुम? वैसे नागेश को तुमने मारा ये मुझे पता है। पता है क्या? लेकिन मैंने तो 3 हत्याएं की हैं, तो फिर वो 6 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाकी की 3 मैंने की हैं। ये हुई ना बात किया ना? बचपन में जो मैं करता था वो तू भी करता था, याद है? मैंने जानबूझकर 3 को नहीं मारा है। उन 3 से मैंने उधार लिया था, चुका नहीं पाया। पापा से मांगे तो उन्होंने मना कर दिया, और वो 3 घर के कागजात लेने के लिए घर आने वाले थे। ऐसे में मैं क्या करता कि तभी मैंने न्यूज में देखा कोई सीरियल किलर ब्लेड की मदद से बेवजह लोगों को मार रहा है। मुझे लगा कि अगर मैं 3 को मार दूंगा तो पैसे वापस देने से बच जाऊंगा और इल्जाम लगेगा उसी किलर पर। अरे कारण क्यों बता रहा है? जब कोई कुछ बोलता है तो उसके 100 कारण होते हैं, तो मर्डर का कोई कारण नहीं होगा क्या? मैं तुम्हें कोई कारण नहीं बता रहा हूं, सेटिस्फैक्शन के लिए बता रहा हूं। और भैया ये हत्या करना ठीक नहीं है, और हमने जो हत्याएं की है किसी को नहीं पता। ये वासु अंकल की पापा के चक्कर में बेवजह हत्या करनी पड़ी, वरना उन्हें मारने का इरादा नहीं था। अब हम नहीं मारेंगे कभी भी। ठीक है, नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। लेकिन अगर वासु अंकल जितना बड़ा कारण आया तो मारेंगे। क्यों, क्या बनाया, बन गया क्या? राम हे hey, माहिती, दिस इज नॉट द राइट टाइम यार। माहिती बैठो, क्या हुआ तुम्हें? राम, लक्ष्मण को वासु अंकल का गला काटते हुए मैंने देखा राम। ये क्या बोल रही हो तुम? सच कह रही हूँ राम, मैं मंदिर से घर आ रही थी ना, वहाँ रास्ते में खंडर जैसा जो घर मिलता है ना, वहाँ मेरी गाड़ी बंद हो गई थी। वहाँ एक पुराना मंदिर है ना राम, वहीं मैंने ये सब देखा राम। उसके साथ किसी और को भी देखा था क्या? नहीं, वो अकेला ही था। मैं बहुत डर गई थी, किसी तरह यहाँ तक पहुँची हूँ। न्यूज में जो दिखा रहे है ना, ये वही किलर है राम। ब्लेड से मारा था क्या उसने? जी, वही होगा शायद सीरियल किलर। मुझे बहुत डर लग रहा है राम, पुलिस को बता दे क्या? जल्दबाजी मत करो माहिती, हमें बहुत संभल के रहना होगा, खास करके तुम्हें। आने वाले 10 तक तुम्हें पहले की तरह ही रहना होगा। पर क्यों राम, पुलिस को बताने से क्यों रोक रहे हो तुम? यहाँ 2 बातें हैं, वो एक तो सीरियल किलर है, तुमने जो देखा उसके लिए वो तुम्हें मार सकता है। अगर पुलिस स्टेशन जाके उसे पकड़वाने की सोचा तो वो तुमसे बदला जरूर लेगा, जो ठीक नहीं होगा। जिंदगी भर उससे डर के बैठ नहीं सकते ना। हम उसे पकड़वा रहे हैं, उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए वासु अंकल की लाश को कहाँ छुपाया। हमें ढूंढना होगा, फिर उसे बाहर निकाल के पुलिस को सबूत के साथ उसे पकड़वाएंगे। दूसरी बात, ये जायदाद हमारे नाम पर करवाना होगा, केस उसके ऊपर होगा तो जायदाद अपने नाम पर नहीं करवा पाएंगे। क्या हम अपनी आंखों के सामने इतनी बड़ी जायदाद एक हत्यारे के पास जाते देख सकते हैं क्या? पर मेरी बात तो सुनो। मैं क्या सुनूं माहिती, कहाँ रहेंगे तुम, मैं, माँ पापा कहाँ रहेंगे? और बेचारी यामिनी, वो पेड़ के नीचे बैठेगी क्या? नहीं ना, यही चाहती हो? देखो जो तुम कह रही हो वही होगा, बट जायदाद हमारे नाम पर होने के बाद, देखो उसके नाम पर अगर केस करेंगे तो वो भी जायदाद हमारे नाम नहीं करेगा। सो पहले जायदाद अपने नाम करके फिर हम लोग पुलिस से उसको रंगे हाथों पकड़वाएंगे, समझ गई ना? मुझे डर लग रहा है राम। अरे तुम क्यों डर रही हो? अगर तुम ही डरोगी तो मेरा क्या होगा? हाँ, ये सब करने के लिए मुझे
तुम्हारा साथ चाहिए माहिती। तुम्हें पता है ना, तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ओके राम। राम क्या हुआ राम? बेचारी मेरी माँ राम और लक्ष्मण को जन्म दिया सोच रही है। राम और रावण को जन्म दिया है उसे नहीं पता। रोना आ रहा है माइती। कल हम लोग साथ में घूमने कहीं बाहर चलें क्या? हाँ चलते, कहाँ जाना है? ये तुम लोग बताओ ना, या तुम बोलो माहिती। मेरे हिसाब से तो मंदिर ही जाना अच्छा होगा, पर मुझे लगता है तुम लोग बोर हो जाओगे। अरे मंदिर क्यों माहिती, कोई पिक्चर विक्चर देखने चलते हैं ना। जैसा तुम कहो। कोई बात नहीं, मंदिर जाएंगे। अगले फ्राइडे एक मूवी रिलीज हो रही है, तभी चलते हैं। क्यों यामिनी, प्लान ठीक है ना? ओके। मैं ये बोझ उठा नहीं पा रही हूँ जी। मैं सोच रही हूँ कि सारी बातें बहुओं को बता दूं। माँ, माहिती का मंदिर जाने का मन है, चलोगी क्या? नहीं, इनका ध्यान रखने के लिए मैं घर पर ही रहूंगी। वही कहा मैंने, तुम्हें तो ध्यान देना होगा ना। गाना सुनो पापा, मन को सुकून मिलता है। यामिनी रुको। अरे क्या हुआ? मुझे थोड़ा सर में दर्द फिर है। से सर दर्द। सॉरी, हमारी वजह से, हमने लेट किया इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है, सच में दर्द कर रहा है। पक्का ना? हाँ, आप जाइए। बेटी यामिनी। ओ आइए। सिर दर्द अब कैसा है? अच्छा ही आंटी, मैं खुद आपके पास आने की सोच रही थी पर आप खुद ही आ गई। हाँ बोलो। कोई बात नहीं, आप बोलिए। कैसे बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ आंटी? ऐसा लगा जैसे राम यहाँ पर हो। क्या कहा राम? हाँ मैं देख कर आती हूँ। बेटी यामिनी। हाँ क्या हुआ आंटी? तेरे अंकल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अंकल दिखाई नहीं दे रहे? अंदर दिखो। हाँ, क्या देखा था मैंने बाहर? थोड़ा और आगे जाकर देखो ना बेटी। हाँ। कहीं राम तो नहीं उठा लेंगे? हाँ मैं देखती हूँ। आप ओके? भगवान पार्वती मुझे बचाओ ना। ऐसा
ऐसा मत करो, मत करो। अरे जाने दो माँ, तुम वैसे भी ये बात सबको बता दोगी। अभी मैं इन्हें मार देता हूँ, उसके बाद तुम चाहे जिसे बता दो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, छोड़ दो उन्हें, कुछ मत करो। तुम पर भरोसा ही नहीं हो रहा है माँ। उन्हें नीचे उतारो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पक्का? हाँ सच में, मैं नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी किसी को। डर लग रहा है ना? हाँ? पार्वती को देख तेरे लिए कितना रो रही है, और तू उसे पगली बुलाता था। पगली ही है, नहीं तो इतना टॉर्चर करने के बाद भी तुम्हारे लिए क्यों रोती? तुझे 15 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इस बीच में जिसको बताना है बता दो, लेकिन 15 मिनट के बाद तुम घर से बाहर नहीं जा सकती, घर में बहुओं से भी बात नहीं कर सकती, और सबसे जरूरी तुम रो नहीं सकती। रोना बंद करो, क्यों रो रही हो? अगर इसमें से कुछ भी किया तो समझ लो ये कैसे और कब मरेगा, इसके और मेरे अलावा और कोई नहीं जान पाएगा। ओके, अभी जिसको बताना है बताओ, जाओ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम सबको बता दोगी माँ, यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पहले रोना बंद करो, रोना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जब देखो कुत्तों की तरह चिल्लाने के अलावा एक बार भी। कहाँ ले गए थे अंकल को? क्यों, बहुत फिकर कर रही थी ना, माँ ने बताया। वो जब मैं बाहर जा रहा था ना तो पापा बहुत उदास लग रहे थे, और इनको उदास देखकर मुझे, इसीलिए मैं इन्हें ताजी हवा खिलाने ऊपर ले गया था। तुम दोनों कुछ बात कर रहे थे ना, इसीलिए डिस्टर्ब नहीं किया मैंने। वो ऊपर काफी धूल उड़ रही थी ना, तो धूल आंखों में पड़ गई, इसलिए आंसू निकल रहे हैं। हो गया ना, चलें। राम, तुम लौट के क्यों आए? रोमांटिक वेदर, सही कह रहा हूँ ना माईती? तुम मुझे वहाँ अकेले उसके पास क्यों छोड़ के आ गए? मुझे कुछ हो जाता तो? उसने कुछ किया क्या? नहीं, अगर कुछ कर देता तो? मैं कितना डर गई थी पता है? कुछ नहीं करेगा, अगर तुम्हें उसने छुआ भी तो उसकी उंगलियों को काट दूंगा, उसे पता है। तुम इस तरह बातें क्यों कर रहे हो? मतलब वो, अगर तुम्हें किसी ने कुछ किया ये ख्याल भी मैं सह नहीं सकता, मुझे गुस्सा आ जाता है। फिर भी प्लीज ऐसी बातें मत करो। नहीं करूंगा। वैसे हम पुलिस कंप्लेंट कब तक करेंगे? बस और 2 दिन बस। रुकना क्यों है लक्ष्मण? उस लाश को हम खुद ही खोद कर निकाले क्या? जायदाद हमारे नाम हो जाने के बाद पुलिस को बताएंगे तो वो खुद आकर लाश ले जाएंगे, लेकिन तब तक तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना होगा, ठीक है ना? खुलेआम शहर में घूमने वाले किलर को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन हत्यारा इस शहर का नहीं है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि इस हत्यारे ने 6 हत्याएं की हैं। कमिश्नर का कहना है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, हत्याएं अच्छा नहीं की। ये क्या? ऐसा क्या देख लिया तुम दोनों ने? तुम दोनों सीरियल किलर की न्यूज नहीं देख रहे हो क्या? अरे माहिती, वो कोई बच्चन का केबीसी शो नहीं है, क्राइम शो है ये सब। हमें मतलब इतना बड़ा सीरियल किलर, वो एक पागल है सुन के शॉक लगा बस। अरे यमनी, तुम्हें भी शॉक लगा क्या? कुछ नहीं, आफ्टर ऑल एक पागल ने 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी, ये सुनकर बहुत दुख हुआ। वैसे भी उसे बिल्कुल नहीं, उसे पैदा करके रोड पर छोड़ने वालों को जेल में डाल देना चाहिए। अरे पापा को क्या हुआ? कुछ नहीं, ग्लास गिर गया था। मैंने सोचा पापा को कुछ हो गया। चलना दम मार के सो जाते हैं। ए, ची,
लक्ष्मण को इसकी बिल्कुल आदत नहीं है। अच्छा, अरे हाँ, क्यों पूछा मैंने, पता नहीं, याद ही नहीं रहा, सॉरी। वो जानता है, वो बस ओवर रिएक्ट कर रहा है। हम उसे पकड़वा रहे हैं, ये बात उसे बिल्कुल पता नहीं होनी चाहिए। लाश उसने कहाँ छुपाई है उसे ढूंढ के तभी पुलिस वालों से रंगे हाथों उसे पकड़वाएंगे। हेलो, हेलो सुभाष। हाँ, कौन बोल रहे हैं? तुम्हारे पिता 3 दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, आके देख लो। हेलो, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ वो जरूरी नहीं है, अपने पापा की खबर लो वो जरूरी है। मेरा नंबर किसने दिया तुमको और तुम कौन हो? ए, तुम्हारे पापा जिंदा है या मर गए पता नहीं, उनसे बात किए हुए 3 दिन हो गए ना? हाँ हो गए, वैसे भी मेरे पिता को कभी कभी बिना बताए गाँव जाने की आदत है, हफ्ते भर बाद वो खुद ही आ जाते हैं। मुझे लगता है वो कभी नहीं लौटेंगे, इसलिए जाके पता करो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कर रही हो तुम? 2 दिन रुकने को कहा था ना? मुझसे नहीं हो रहा है लक्ष्मण, यामिनी प्लीज, हम दोनों ने अभी प्रॉपर्टी के बारे में बात की है, मैं उसे पैसे दूंगा और वो चला जाएगा और फिर ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी यामिनी, बस तब तक थोड़ा रुक जाओ, पेशेंस रखो, अगर उसे पता चला तो हम दोनों को मार डालेगा वो, प्लीज यामिनी, तुम समझ रही हो ना? आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन बट प्लीज, बस 2 दिन। I'm sorry. It's okay. बेटी नैपकिन देना। हाँ लाती हूँ। भाभी भैया कहाँ हैं? ऊपर क्या कर रहे थे? गाना सुन रहा था।
सुन, जाके रेडी हो जाओ, लॉयर के पास जाना है। लेकिन मैं नहीं आऊंगा, तू जाकर आना। ऑलरेडी बात कर लिया ना, तुम जाओ। ओके, अंदर आओ। उसे अकेले भेज दिया तो पूरी जायदाद अपने नाम करा लेगा, तुम क्यों नहीं गए उसके साथ? वो सब हमने बात कर लिया है। नहीं राम, तुम्हें भी जाना चाहिए, इसलिए तो हमने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया। ठीक है, जाता हूँ, पर यामिनी से तुमने कोई बात की है क्या? हाँ हाँ, नहीं। बेटी यामिनी, बेटी यामिनी, पानी बेकार बह रहा है, जल्दी करो, वो लोग आधे घंटे में आ जाएंगे। क्या कहा? वो लोग आधे घंटे में आने वाले हैं, जल्दी करो। आंटी, आपको एक सच बताना है, पर समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। राम ने अपने फ्रेंड की हत्या करके हमारे कंपाउंड में उसे गाड़ दिया। शहर की पुलिस जिस सीरियल किलर को ढूंढ रही है वो और कोई नहीं, राम है। ये बात आपको कई बार बताने की कोशिश की पर हो नहीं पाया, क्योंकि आपके साथ हर वक्त कोई हत्या कर दी उसने। मुझे पता था वो कभी ना कभी ऐसा काम करेगा। जो अपने पिता को अपाहिज कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है बेटी। ये क्या कह रही है आंटी? मुझसे गलती हो गई बेटी। राम ने एक दवा भिजवाई थी, वो मैंने कॉफी में मिलाकर इनको पिला दी। और उनकी हालत ऐसी हो गई मेरी वजह से। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटी, बहुत बड़ी गलती। क्या हुआ? चुपचाप रहकर मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो। तुम्हारा हस्बैंड एक सीरियल किलर है, अपने फ्रेंड को मार के हमारे कंपाउंड में उसे गाड़ दिया। मैंने देखा था। इनफ, किसका हस्बैंड सीरियल किलर है? लक्ष्मण ने वासु अंकल को मार दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो है सीरियल किलर। राम ने कुछ नहीं किया है। राम को भी इस बारे में सब पता है, पर वो तुम्हारे बारे में सोच के चुप बैठा है। लक्ष्मण ने मर्डर किया? हाँ। तुमने देखा था? देखा है, इसीलिए तो बता रही हूँ। माहिती, हम दोनों बहुत बड़े खतरे में हैं। मैं नहीं हूँ, तुम हो। मैं जो कह रही हूँ वो सुनो। बता रही हूँ तो समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा पति मेरा पति दोनों सीरियल किलर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, पर दोनों क्रिमिनल्स हैं। उन्होंने आंटी के साथ मिलकर अंकल को पैरालाइज कर दिया। व्हाट? पैरालाइज कर दिया? हाँ, लक्ष्मण ने किया होगा, राम ने नहीं किया। नहीं मानूंगी ना। आओ 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 मेरे साथ, आओ तुम्हें दिखाती हूँ, चलो। आपकी इस हालत की वजह मैं और बच्चे हैं तो एक बार अपनी आंखें घुमाइए ना। Ha 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 ha!
आपने अपने बेटों को सपोर्ट क्यों किया आंटी? इतने सालों से इन्होंने मारा, गाली दी, मैंने सब सहा, लेकिन जब लक्ष्मण ने मुझे समझाया तो मुझे लगा कि मुझे इनके जुल्मों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मैंने इनकी जिंदगी नरक बना डाली है। सुन लिया ना, तुम तो मेरी बात नहीं मान रही थी। तुम कुछ भी कहो यामिनी, राम जायदाद के लिए या इस घर को पाने के लिए ये सब किया है ये मैं मान सकती हूँ, पर वो खूनी है ये नहीं मान सकती। सबूत के बिना कुछ भी बोलोगी तो नहीं मानूंगी। पागल जैसे। माँ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अंकल चक्कर खा के गिर गए थे, आंटी जोर से चिल्लाई तो हम उन्हें यहाँ देखने आ गए, काफी देर के बाद उन्हें होश आया है राम। अरे तो मुझे बताना चाहिए था, फोन करना चाहिए था, मैं डॉक्टर को लेकर आता ना। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि बताने का टाइम ही नहीं मिला, और इतने में आप आ गए। आपने बुलाया क्या आंटी डॉक्टर को? नहीं अभी तो ये ठीक है। अभी तो वो ठीक है ना माँ? ओके। क्या हुआ? अरे पापा को चक्कर आ गया था और वो गिर गए थे। चाहिए तो राउत को कंपाउंड में आना। यामिनी क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा सर में दर्द है, बस सोने जा रही हूं। ठीक है जाकर सो जाओ, आज बेडरूम हमारा ही है। श्योर हो ना? कुछ नहीं होगा ना? इसमें जहर नहीं है, नींद की दवा मिलाई है। मुझे दो, मैं खुद देकर आती हूं। सो रहा है ना आंटी? हाँ सो रहा है। राम ने नागेश को गाड़ दिया ऐसा कुछ कह रही थी ना, कहाँ गाड़ा दिखाओ मुझे। ठीक है छोड़ो, तुम्हारा पति खूनी है इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लो तुम। राम ने जायदाद के बंटवारे तक चुप रहने के लिए कहा है, उसके बाद क्या करना है सोचा जाएगा। मैं हेल्प करूंगी, भरोसा रखो। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा पति मेरा पति दोनों के दोनों किलर है, समझ में आ रहा है?
बकवास बंद कर अपनी। राम ने नागेश की लाश को कहीं और छुपा दिया होगा। मानना है तो मानो वरना मत मानो। पागल। देखो कल 6 बजे तक वेट करूंगी। आना है तो आओ, नहीं तो तुझे भी उनके साथ मरना है तो उनके साथ ही मर, जीना है तो चल। मुझे जीना होगा। क्या करना है? मार देते हैं दोनों को। पर क्यों? हम दोनों के बारे में उन दोनों को पता चल गया है। दोनों ने एक दूसरे को बता दिया है। माहिती ने भरोसा नहीं किया लेकिन वो मुझसे आकर जरूर पूछेगी और मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता। यामिनी को पता चल गया? पता चल गया इसलिए तो मारना पड़ेगा। अरे देख जो भी हो मैं यामिनी को नहीं मारूंगा। तू पागल हो गया क्या? हम हत्यारे हैं, उन्हें पता चल गया है। कल रात को नींद की गोली देकर सुला दिया। बाहर जाएंगे तो सबको बता देंगी। तुम्हारी बीवी आज बाहर जाने वाली है। मैं यामिनी को नहीं मारने वाला। ये जो प्यार का भूत चढ़ा है ना जेल में सब उतर जाएगा। हेलो गाइस। हाय। बाय। बाय। सुन मेरी बीवी को मैं कन्विंस कर लूंगा। आज एक दिन अगर उन्हें रोक लिया तो काफी है। और सुन अगर तेरी बीवी तेरे हाथ में नहीं रहती तो मुझे बता, मैं उसे काट डालूंगा। मुझे डर नहीं लगता। जा जाके समझा उसे। लेकिन अगर तू यामिनी के पास गया तो मैं तुझे काट डालूंगा। तू यही कह रहा है ना कि अभी उन दोनों को हम नहीं मार रहे हैं? बस बाहर मत जाने देना, उतना ही। बाहर तो छोड़ो, घर से भी किसी को नहीं बता सकती। देखते हैं मानती हैं नहीं। यामिनी, मैं जानता हूं तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया है। आई हैव एन एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीथिंग। और मेरी बात सुनने के बाद शायद तुम भी समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। बस एक मिनट प्लीज। कल सुबह लॉयर आकर ये जायदाद हमारे नाम कर देगा। प्लीज तब तक रुक जाओ। तुम्हारा मोबाइल राम के पास है। गुड मॉर्निंग माहिती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ यामिनी?
क्या हुआ? तेरी वजह से मैं फंस गई। रात को ही जाना था, अब बाहर नहीं जाने देंगे। और जाने की कोशिश करूंगी तो तेरा पति मार देगा। विश्वास नहीं हो रहा? जाके पूछ लो। वो खूनी अगर बाहर जाने देगा तो मैं मान जाऊंगी वो किलर नहीं है। पूछूंगी, बाहर कैसे नहीं जाने देगा, मैं भी देखती हूँ। कहाँ जा रही हो? मंदिर। मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी थी। अभी टाइम नहीं है राम, आने के बाद बात करते हैं। अरे एक बार बात तो सुनो। कहाँ ना आने के बाद? माहिती। हेलो जी। जी बोलिए। सदाशिव जी का घर यही है ना? मैं वासु जी का बेटा हूँ, सुभाष। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो जी। हाय जी। नमस्ते। नमस्ते वासु अंकल। के आप इकलौते बेटे हो ना? हाँ जी, हफ्ते भर से मेरे पापा मुझे मिल नहीं रहे हैं। अरे फोन किया तो फोन भी बंद आ रहा है, कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है। ऑफिस के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि रोज आपके पापा से मिलने यहाँ आते थे। नहीं नहीं, वो यहाँ कभी नहीं आए थे, है ना? अंकल तो यहाँ कभी आए ही नहीं थे। हाँ? पापा अंकल के बारे में काफी बातें करते हैं लेकिन वो कभी यहाँ आए नहीं थे। नहीं आए थे तो ऑफिस के लोगों ने ऐसा क्यों बोला? नहीं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। हेयर कब से बढ़ा रहे हैं आप? मैं भी कुछ ऐसा ही चाहता हूँ। हेयर? अरे तू भी बढ़ा लेना, हमेशा एक जैसा ही हेयर कट रखता है। वॉशरूम किधर है? इंडियन या वेस्टर्न? कोई भी। उस तरफ। तुम्हारे पिता को इन्होंने मार दिया, जल्दी से बाहर जाके पुलिस लेकर आओ। अगर ये बात उन्हें पता चली तो वो तुम्हें मार देंगे। ओह शिट। सॉरी, आपको भी जाना था, पता नहीं था, वो मुंह धोने में थोड़ा लेट हो गया। क्या हुआ? वो बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है ना, तो ये बताने आया था। वो धोने को सोचा, पानी नहीं आ रहा है तो एक दो बार ट्राई किया फिर छोड़ दिया। वो मेरा कर्चिफ। मैं लेकर आता हूँ ना। मैं लेके आता हूँ, आप जाके बैठिए। लक्ष्मण भाई को नाश्ता कराओ। अरे भाई, मुझे जाना है जी। भैया ने कहा है आपको बिना खिलाए भेजना नहीं है, बैठिए। अरे बैठिए ना। Mm-hmm.
बाथरूम में आपका कर्चिफ तो नहीं मिला पर कागज मिला है। हमारी वाइफ्स बहुत होशियार हैं यार, मैंने बोला था ना पढ़। तूने तो समझाने को बोला था, अभी समझ में आया हमारी पोजीशन क्या है? माँ पापा को कमरे में ले जाओ। देखा ना तूने, मजबूरी में एक को और मारना पड़ा, जाने दो, अच्छा ही किया। आधा प्लेट काफी होता है यार। ब्लेड धो कर ले आओ। माहिती इसे धो कर लेकर आओ। देख रही हो, गला कट जाएगा, अंदर जाओ। इतना स्लो क्यों चल रही हो? पास चलो। जाने दे, कोई बात नहीं, इन्हें बाहर कैसे लाना है मुझे पता है, तू जाके माँ को लेकर आ। क्या हुआ? माँ अंदर ही है। माँ अंदर हो क्या? तेरी, बोला था उठने से पहले ही मार देते हैं, लड़कियां हैं हमसे ज्यादा दिमाग चलाती हैं, सिर्फ कमजोरी ही नहीं हमारी ताकत में भी हमें मार देती हैं। चल।
अरे लाइट को भी अभी जाना था। ए, लाइट वाले को फोन कर। नंबर दे। नंबर 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 मुझसे क्यों मांग रहा है, मुझे क्या पता? नंबर नहीं है तो चिल्ला क्यों रहा है, किसे कॉल करूं? टाइम नहीं है यार। माइदी लाइट वाले का नंबर है क्या, देना। ए, जा रे। तेरे पास है नंबर? नहीं है क्या? तो ऐसे घूर क्या रहा है बे, तेरी तो। ए, ए, पहले इसको अंदर ले जा। तू चिल्ला मत, नंबर मिल गया। हेलो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस। सर मैं सैनिक ब्यूरो से बात कर रहा हूँ, यहाँ पावर नहीं है, कितना टाइम लगेगा? ट्रांसफॉर्मर जल गया है, कल तक बिजली नहीं आ पाएगी। क्या किस्मत है हमारी। कोई बात नहीं, किस्मत हम बदल देंगे। सर, जनरेटर की आवाज बंद करो, बहुत तेज आवाज आ रही है, बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल से सोया है वो। सर सर दो मिनट रुक जाओ ना, कामों का तो बाद में कर लेना सर, बच्चा जग गया तो मुश्किल हो जाएगी। एक बार बोला समझ भी नहीं आया, बंद करिए नहीं तो पुलिस को बुला करके सब कुछ बंद करवा दूंगा। बंद करो। ठीक है, अभी करता हूं, अभी तुरंत करता हूं, बाद में देखना मुझे, पहले बंद कर। ओके बंद कर। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। क्या हुआ? वो पड़ोस वाला है ना, उसके बच्चे को बुखार है, सोया है, जनरेटर बंद करवा दिया। दो मिनट बोला कि रुक जाओ पर नहीं माना, थोड़ा नहीं सोएगा तो मर जाएगा क्या? हम नींद में भी काम कर रहे हैं, पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद नहीं करनी चाहिए क्या? स्वार्थी कहीं का। अरे बुखार ही आया ना, मरा तो नहीं है ना, मार डालूंगा उसको और उसके बेटे को मार दूंगा, मुसीबत टल जाएगी। चाकू है क्या या ब्लेड से ही निपटा दूं उन दोनों को? सुन, कल लॉयर आएगा तो पापा के दस्तखत के साथ साथ माँ का भी दस्तखत चाहिए, अगर तब तक माँ अंदर रहेगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। बोलो इन्हें कुछ मत करो, बाय बोलो ना, कुछ मत करो, इन्हें कुछ मत करो। आंटी तुम चुप हो जाओ, छोड़ दो। आंटी ये लोग नहीं मानने वाले, घर को अपने नाम करने के लिए आप दोनों के साइन चाहिए होंगे, खास तौर से अंकल के साइन, इसलिए वो जब तक साइन नहीं करेंगे ये कुछ नहीं कर सकते। चलिए, तेरे होने का क्या फायदा है मेरा बोलना, मैं कम अकल का था। Hey, कल सुबह 10 बजे लॉयर आ जाएगा, तब तक माँ का हमारे साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लोगों को धमकाकर कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो कहता हूं इन दोनों को बहला फुसला कर मना लेते हैं और बाहर निकालते हैं। कुछ भी करके बाहर ले आओ, उन्हें मार देते हैं। ये खुश हो रहा है ना? ती ए
भगवान। यामिनी देखो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। अगर तुम कहो तो एक डील करते हैं। कल सुबह 10 बजे लॉयर आ रहा है, तब माँ और पापा को हमारे साथ रहना होगा। इसलिए माँ को बाहर भेज के तुम अंदर से लॉक कर देना। हम दोनों जब रूम में चले जाएंगे, उसके बाद माँ बाहर आएगी, और तब तक तुम दोनों भी बाहर निकल जाओगी। कल लॉयर आ रहा है बोला ना, तभी हम दोनों बाहर आएंगे और उनके साथ ही बाहर जाएंगे। नहीं 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 नहीं, लॉयर के सामने बाहर जाना बिल्कुल मुमकिन नहीं। अगर उसके सामने तुम दोनों ने कुछ कहा तो प्रॉब्लम होगी ना। इनफैक्ट वो जब आएगा, तुम दोनों को अंदर जाकर छुपना होगा, या फिर लॉयर के जाने के बाद माँ तुम दोनों को बाहर छोड़ देगी। इनमें से कोई भी रास्ता तुम्हें ठीक लगता है, मुझे मंजूर है। माँ को बाहर भेजो और तुम दोनों जाकर अंदर छुप जाओ। नहीं, तुम दोनों रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लो, उसके बाद ही हम आंटी को बाहर लाएंगे। आंटी प्लीज, आंटी किसी भी हालत में जब तक हम बाहर नहीं चले जाते, आप दरवाजा मत खोलना। फिक्र मत करो बेटी, मैं संभाल लूंगी। हम अंदर जा रहे हैं, तुम आ सकती हो। बेटी दरवाजा बंद कर दिया है, तुम बाहर आ सकती हो। क्यों माँ, तुम और बहुएं मिलकर क्या खिचड़ी पका रही हो? उन्हें तुम दोनों के बारे में पता चल गया है। तुम दोनों ने नागेश और वासु को मार दिया है, ये बात उन दोनों ने एक दूसरे को बता दी है। तो तुमने पापा के साथ जो किया उसके बारे में बताया क्या? ओ, मैंने अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए बताया था, तुम्हें पकड़वाने के इरादे से नहीं बताया था मैंने। मेरा पाप मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, लेकिन अब तुम दोनों जो कहोगे मैं वही करूंगी। तुम दोनों मेरे बेटे हो, तुम दोनों की खुशी ही मेरी खुशी है, मैं सच कह रही हूं।
हम चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर आंटी ने हमें किसी भी तरह बाहर भेज दिया तब भी ये लोग हमें ढूंढकर किसी भी तरह मार ही देंगे। अगर हमें जीना है तो क्या करना होगा? उन्हें मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे डर डर के जीने से तो अच्छा है उन्हें मार कर जिए। उन्हें मारने के अलावा मुझे कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हम उन दोनों को मार पाएंगे? उन्हें मारना ही होगा। ऐसे पागल कुत्तों को जीने का कोई हक नहीं। हेलो, पुलिस स्टेशन, मेरे बेटों को मार दिया, मेरी बहुओं ने मेरे बेटों को मार दिया। आप जिस सीरियल किलर की तलाश कर रहे हैं वो दोनों यही है। हमारे घर के पीछे एक लाश भी इन लोगों ने गाड़ रखी है। ये बात मेरे बेटों को पता चल गई थी इसलिए उन्हें मार दिया। आप जल्दी आइए। आवासं पुरवासि तत्त्वमतिरेकं जत्वालीनया पंतलीन विचार अन्यभृति चापल्या समुत्तीरणं धात्रेयी प्रजनाटकं प्रदिमि उत्थानं भुजा द्योतकं अस्तित्वं वरयो द्विपातु विरजिं मुन् जर्जरं भूटकम्। This family so much, I wanna keep them all dead or